नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस एक विलन रिटर्न्स मूवी के केवल ऑडियंस रिव्यू और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशन कोट्स, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट, और तीसरा इस एक विलन रिटर्न्स मूवी के ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोट्स आपकी लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा, और एक विलन रिटर्न्स मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के बाद मैं आपको इस एक विलन रिटर्न्स मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस प्रकार के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोट्स, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोट्स, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, कि हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा, कि एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। दूसरा मोटिवेशनल कोट्स, लश्कर कितने भी क्यों ना हो हम घुटने नहीं टेकेंगे, कि लश्कर कितने भी क्यों ना हो हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। जॉन अब्राहम की साल 2022 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2022 में रिलीज हुई एक विलन रिटर्न्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जॉन अब्राहम के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एक विलन रिटर्न्स मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और माई स्ट्री की कैटेगरी की फिल्म, जो कि एक विलन रिटर्न्स मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 10 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा, और आपको 2 घंटे 10 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ़ तो उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.1 है, और इस मूवी की रिलीज डेट 29 जुलाई 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, और इस मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी थे, और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं एक विलन रिटर्न्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एक विलन इज रिसेंट टाइम्स ऑफ दिस डिसेंट विल मैड फ्रांसिस फिल्म दिस नोट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न अबाउट EDG द स्टोरी हैट ए लॉस्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी सिक्वेंसी वाज टू गुड आई वुड डेफिनेटली वन इवन अर्जुन परफॉर्मेंस वाज मच बेटर इन दिस फिल्म तारास परफॉर्मेंस वाज रियली नाइस स्पेशल हेयर ऑन वॉइस इन द सॉन्ग्स वेरी टू शूटिंग इन द हेयर दिस परफॉर्मेंस वाज रियली इम्प्रेसिव इन दिस वन ऑफ बट दैन मैन हाईलाइट ऑफ दिस मूवी जॉन इज लिटेचर नेडिड इड ओवर ऑल इट इज अनएक्सपेक्टेड स्टोरी विल सूरली मैक्स योर क्यूरियस वाउज यंगस्टर दिस फिल्म इज रियली गुड वन फॉर दैम विच एंड गुड थिएटर ए नाइस थ्रिलर एक विलन रिटर्न्स रिव्यू ए सीरियल किलर ऑफ दिस प्रोवाइड दैट मैक्स ऑफ वेपा मूमेन ऑफ दिस साज सिक्वल टू इक्वल ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन मैन ऑफ दिस टू सो इपिन गुड मोहित सूरी नेवर डिस्पॉन्ड्स द स्क्रीन प्ले
इज़ परफेक्ट, मैक द मूवी लाइक चेरी ऑन टॉप, सरप्राइज अर्जुन रेडिंग ऑफ दिस गुड एंड जॉन रिप्रोवाइड येट अगेन, स्क्रिप्ट इज गुड, सीन्स ऑफ दिस गुड तारा एंड दिशा वार हॉट एंड सेक्सी, आल्सो द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स, रेस्पेक्ट मोहित सूरी, म्यूजिक मैन ऑलवेज फ्रेश एंड टॉप नोट्स, अगर ऑफ दिस मूवी डिजास्टर ऑल द अटेंशन ऑफ अप्रोचमेंट एट द बॉक्स ऑफिस, इट नॉट एंड सेंस एंड थ्रिलर, यू कैन टर्न हेड्स, कंपल्सरी बैड ऑफ ओवरऑल इज कंप्रोमाइज टू द फर्स्ट मूवी एंड देर वॉज एंड ह्यूज एंड वीम ऑफ द सैड लव स्टोरी एंड दैन गोरी इन गवरोसिंग अटेंशन टूवर्ड्स द बीन वोयलेंस बैकड्रॉप ऑफ दिस मूवी, दिस वॉज ए प्लान इमोशनल लेस डिसेंट बट वॉज डिसअपॉइंटिंग, एक्ट्रेस ऑफ यूजफुल इज हिमसेल्फ द डिस्क्रिप्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट, वेरी इंटेलिजेंट ऑफ मस्ट वॉच, यू आल नॉट रिग्रेट बिकॉज मूवी एक्चुअली गैव सेम एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, एक विलन मूवी विन न्यू स्टोरी एंड आल्सो मेंटेन द फेस ऑन ओल्ड मूवी, स्टोरी वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड एक्शन सस्पेंस ऑफ दिस गुड ऑफ दिस ट्रस्ट मी एंड गुड थिंक अबाउट नीड टू सपोर्ट सच मूवी सो दैट बॉलीवुड कैन अंडरस्टैंड द पास्ट से पार्ट सेकेंड शुड बी बेटर दैन पास्ट फर्स्ट वन मूवी मोर मसाला एंड दिस मूवी डिड इट वेल, दिस मूवी होल्ड्स माई हार्ट फॉर पार्ट थ्री टू जस्ट टू गो वॉच एंड सपोर्ट विल बेटर कंटेंट, इट वॉज गुड मूवी, इट कीप्स यू बिजी थ्रू आउट एंड ग्यूसिंग जोन डिड एन अमेजन जॉब इन एक्शन एंड डायलॉग, अर्जुन डेफिनेटली हैव ए कम बैक, दिस आर रियली गैव सम हियरलिंग क्यून वाइफ तारा, वॉइस वॉज अमेजन एंड बोथ द एक्ट्रेस आर वेरी प्रीती, ओवरऑल ए गुड वॉच इज ट्विस्ट ऑफ दिस गुड सच ए गुड मूवी, आई डू नॉट न्यू वाई पीपुल हैटिंग दिस मूवी बट फॉर मी आई रियली लव इट, जॉन एंड अर्जुन एक्टिंग वॉज माइंड ब्लोइंग स्पेशली जॉन, आई होल्ड ए सक्सेस टू वॉच दिस मूवी एज ए सोन एज पॉसिबल, यू कैन वॉच इट वंस डेफिनेटली फॉर अर्जुन कपूर एक्टिंग, ही ट्रांसफॉर्मेड द आउटकास्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड एक्टिंग, बोथ अंकित तिवारी सोम तारा दिशा एज यूजफुल रिपीटिंग देयर रोल्स फ्रॉम द पास्ट मूवी एंड जॉन बाबा सिंस इट बिड्स एंड पीस फॉर मोहित सुतारिया एंड गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट प्रोसेस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी बेस्ट मूवी एंड आई हैव एवरी वॉचेबल द प्लॉट एंड स्टोरी सो वेल डन थ्रू आउट एंड देयर वॉज सो मैनी ट्विस्ट एंड क्लिफ्ट हैंगर्स, इट वॉज हाईली एंटरटेनिंग, जॉन अब्राहम्स एक्टिंग वॉज फिनोमिनल, वुड डेफिनेटली कैन वॉच दिस सेकेंड टाइम, वुड बी गुड सम सिक्वेंसी विल बी रिमेन दैट ऑफ दिस मूवी, आई लव द परफॉर्मेंस ऑफ जॉन एंड दिशा पार्टनिंग मोस्ट बट देयर कंपेरिजन ऑफ दिस मूवी इक विलन दैट ऑफ दिस माई फेवरेट मूवी, वंस इट शुड बी वॉचेबल इन थिएटर, इट वॉज रियली फुल ऑफ एक्शन थ्रिलर मूवी बेटर दैन द फर्स्ट ऑफ वन इक विलन, देर आर सो मैनी एक्शन सीन्स हॉरर सीन्स एंड लॉर्ड्स ऑफ माई स्ट्रीम इन डिडेट जॉन एंड अर्जुन रियली लाइक दिस अवेसम द एक्शन सीन्स बिटवीन बोथ आर वेरी ट्रेडनेशनल वेल ऑफ दिस बॉलीवुड एंड जॉन अब्राहम डिड गुड जॉब दिशा पटनी वॉथ दिस कुल्ड टॉक अबाउट माई आल्सो लुकड बेटर दिस माउंटेन ऑयल मूवी सो सपारिंग मैक्स मी फॉर गेट मी डैड एवर लेफ्ट गलियां इसे एक विकल ऑफ दिस गुड बैक द फैंटेस्टिक मूवी और बींग टू एंड यो नॉट फॉर दिस सिंगल एंड गुड attention of this good thing about very intelligent I have very think and good thing center met finally this Bollywood movie and in dropped of mass movie from Bollywood definitely disaster to be watchable only performance second part is better and bigger than first part really good refreshing and worthful movie John Abraham nailed it with his killer look and intensity role who is the driving force of this Arjun Kapoor did so well done in a badmass look not as good the first movie but second half was enjoyable and thriller of this good in love विथ तारा वॉइस सच एन अमेजन मूवी स्पेशली तारा सुतारिया इज सिंगिंग डेब्यू इन दिस मूवी आई एम जस्ट एडिक्शन टू हेयर वॉइस एवरी वन गेव देयर बेस्ट लव इन स्पेशली सॉन्ग सेलेक्शन वॉज अमेजन एंड लव द होल टीम डिड एन अमेजन वर्क आई लव टू सी तारा एंड दिशा इन वन ऑफ दिस मूवी वेंट दिस मूवी एंड मोरी सक्सेसफुल एंड इट वॉज गोइंग ब्लॉकबस्टर हिट एंड वेज वेल डन दिस मूवी ऑफ दिस गुड इट वॉज रियली अमेजन
एक्सप्रेशन इट वॉज ए रियली ट्विस्ट स्टोरी विथ ग्रेट एलिमेंट्स एज पर एक्टिंग अर्जुन वॉज सुपर दिशा डिड रियली गुड तारा वॉज एक्सीलेंट विथ हेयर इंसेंस एंड इमोशनल साइड एंड जॉन वॉज ओके ओवरऑल द मूवी वॉज अमेजन मोहित सूरी नेवर डिसअपॉइंट्स वाई बॉलीवुड कैन ट्रस्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट सी स्टोरी वॉज नॉट देयर एंड अर्जुन कपूर एक्टिंग रियली नेल्ड इट इट इज वन ऑफ द फिनिश्ड कमबैक मूवी ऑफ अर्जुन कपूर वन मस्ट वॉच नो मैटर इफ यू आर ए फैन ऑफ अर्जुन कपूर और नॉट बट आफ्टर सीइंग दिस मूवी आई होल्ड ऑफ दिस मूवी इज ट्रूली ट्रू मास्टर पीस एग्री दैट द सेकेंड हाल्प वॉज लिटिल प्रेडिटेबल बट द रेस्ट हैड मी एट द EDG ऑफ माई सीट द एंडिंग इज द रीजन माई रिव्यू इज 5 स्टार आई वुल्ड से दिस इज अ मूवी वर्थ वॉचिंग इट इज गो सो गुड वन टाइम वॉचेबल बट ऑफ दिस गुड आई एंजॉय दिस मूवी एंड वेरी फैंटास्टिक मूवी। साल 2022 में रिलीज हुई एक विलन रिटर्न्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जॉन अब्राहम के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एक विलन रिटर्न्स मूवी था जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और माइस्ट्रे की कैटेगरी की फिल्म जो कि एक विलन रिटर्न्स मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 10 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 10 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.1 है और इस मूवी की रिलीज डेट 29 जुलाई 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं एक विलन रिटर्न्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एक विलन इज रिसेंट टाइम्स ऑफ दिस डिसेंट विल मैड फ्रांसिस फिल्म दिस नोट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न अबाउट EDG द स्टोरी हैट ए लॉस्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी सिक्वेंसी वाज टू गुड आई वुल डेफिनेटली वन इवन अर्जुन परफॉर्मेंस वाज मच बेटर इन दिस फिल्म तारास परफॉर्मेंस वाज रियली नाइस स्पेशल हेयर ऑन वॉइस इन द सॉन्ग्स वेरी टू शूटिंग इन द हेयर दिशा परफॉर्मेंस वाज रियली इंप्रेसिव इन दिस वन ऑफ बट दैन मैन हाईलाइट ऑफ दिस मूवी जॉन इज लिटेचर नेडेड इड ओवरऑल इट इज अनएक्सपेक्टेड स्टोरी विल सूरली मैक्स योर क्यूरियस वाउज यंगस्टर दिस फिल्म इज रियली गुड वन फॉर दैम विच एंड गुड थिएटर ए नाइस थ्रिलर एक विलन रिटर्न्स रिव ए सीरियल किलर ऑफ दिस प्रोवाइड दैट मैक्स ऑफ वेपा वूमेन ऑफ दिस साज सिक्वल टू इक्वल ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन मैन ऑफ दिस टू सो इपिन गुड मोहित सूरी नेवर डिसअपॉइंट्स द स्क्रीन प्ले इज परफेक्ट मैक द मूवी लाइक चेरी ऑन टॉप सरप्राइज अर्जुन रेडिंग ऑफ दिस गुड एंड जॉन री प्रोवाइड येट अगेन स्क्रिप्ट इज गुड सीन्स ऑफ दिस गुड एंड गुड तारा एंड दिशा वार हॉट एंड सेक्सी आल्सो द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स रेस्पेक्ट मोहित सूरी म्यूजिक मैन ऑलवेज फ्रेश एंड टॉप नोट्स अगर ऑफ दिस मूवी डिजास्टर ऑल द अटेंशन ऑफ अप्रोचमेंट एट द बॉक्स ऑफिस इट नोट एंड सेंसन एंड थ्रिलर यू कैन टर्न हेड्स कंपल्सरी बैड ऑफ ओवरऑल इज कंप्रोमाइज टू द फर्स्ट मूवी एंड देर वॉज एंड हुज एंड वीम ऑफ द सैड लव स्टोरी एंड दैन गोरी इन गवरोसिंग अटेंशन टूवर्ड्स द बीन वॉयलेंस बैकड्रॉप ऑफ दिस मूवी दिस वॉज ए प्लान इमोशनल लेस डिसेंट बट वॉज डिसअपॉइंटिंग एक्ट्रेस ऑफ यूजफुल इज हिमसेल्फ द डिस्क्रिप्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट ऑफ मस्ट वॉच यू आल नॉट रिग्रेट बिकॉज मूवी
एक्चुअली गैव सैम एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एक विलन मूवी द्वीन न्यू स्टोरी एंड आल्सो मेंटेन द फेस वन ओल्ड मूवी स्टोरी वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड एक्शन सस्पेंस ऑफ दिस गुड ऑफ दिस ट्रस्ट मी एंड गुड थिंक अबाउट नीड टू सपोर्ट सच मूवी सो दैट बॉलीवुड कैन अंडरस्टैंड द पास्ट से पार्ट सेकेंड शुड बी बेटर दैन पास्ट फर्स्ट वन मूवी मोर मसाला एंड दिस मूवी डिड इट वेल दिस मूवी होल्ड्स माई हार्ट फॉर पार्ट थ्री टू जस्ट टू गो वॉच एंड सपोर्ट विल बेटर कंटेंट इट वॉज गुड मूवी इट कीप्स यू बिजी थ्रू आउट एंड ग्यूसिंग जोन डिड एन अमेजन जॉब इन एक्शन एंड डायलॉग अर्जुन डेफिनेटली हैव ए कम बैक दिस आर रियली गैव सम हियरलिंग क्यून वाइफ तारा वॉइस वॉज अमेजन एंड बोथ द एक्ट्रेस आर वेरी प्रीति ओवर ऑल ए गुड वॉच इज ट्विस्ट ऑफ दिस गुड सच ए गुड मूवी आई डू नॉट न्यू वाई पीपुल हैटिंग दिस मूवी बट फॉर मी आई रियली लव इट जॉन एंड अर्जुन एक्टिंग वॉज माइंड ब्लोइंग स्पेशली जॉन आई होल्ड ए सक्सेस टू वॉच दिस मूवी एज ए सोन एज पॉसिबल यू कैन वॉच इट वंस डेफिनेटली फॉर अर्जुन कपूर्स एक्टिंग ही ट्रांसफॉर्मेड द आउटकास्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड एक्टिंग बोथ अंकित तिवारी सोम सतारा दिशा एज यूजफुल रिपीटिंग देयर रोल्स फ्रॉम द पास्ट मूवी एंड जॉन बाबा सिंस इट बिल्ड्स एंड पीस फॉर मोहित सुतारिया एंड गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट प्रोसेस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी बेस्ट मूवी एंड आई हैव एवरी वॉचेबल द प्लॉट एंड स्टोरी सो वेल डन थ्रू आउट एंड देयर वॉज सो मैनी ट्विस्ट एंड क्लिफ्ट Hangers, it was highly entertaining. John Abrams' acting was phenomenal. Would definitely can watch this second time. Would be good. Some sequences will be remain dealt of this movie. I love the performance of John and Disha partnering most, but their comparison of this movie equivalent that of this my favorite movie. Once it should be watchable in theater. It was really full of action thriller movie better than the first of one equivalent. There are so many action. Scenes, horror scenes, and lots of my stream in Didette, John and Arjun really like this awesome. The action scenes between both are very traditional. Well, of this Bollywood and John Abraham did good job. The song Patani what this could talk about. My also looked better. This mountain oil movie so supporting makes me forget me dad ever left. Galiyan is a equivocal of this good back. The fantastic movie or being to end your note for this single and good attention. Mention of this good thing about very intelligent I have very think and good thing center met finally this Bollywood movie and in dropped of mass movie from Bollywood definitely disaster to be watchable only performance second part is better and bigger than first part really good refreshing and worthful movie John Abraham nailed it with his killer look and intensity role who is the driving force of this Arjun Kapoor did so well done in a badmass look not as good the first movie but second half was enjoyable and thriller of this good in love With Tara voice such an amazing movie especially Tara Sutaria is singing debut in this movie I am just addiction to her voice everyone gave their best love in especially song selection was amazing and love the whole team did an amazing work I love to see Tara and Disha in one of this movie went this movie and more successful and it was going blockbuster hitting and as well done this movie of this good it was really amazing Expression. It was a really twist story with great elements as per acting. Arjun was super. Disha did really good. Tara was excellent with her insane and emotional side. And John was okay overall. The movie was amazing. Mohit Suri never disappoints. Why Bollywood can trust of disappointment? See, story was not there. And Arjun Kapoor acting really nailed it. It is one of the finished comeback movie of Arjun Kapoor. One must watch. No matter. If you are a fan of Arjun Kapoor or not, but after seeing this movie, I hold up this movie is truly true masterpiece. I agree that the second half was little predictable, but the rest had me at the EDG of my seat. The ending is the reason my review is 5-star. I would say this is a movie worth watching. It is so good, one time watchable, but of this good, I enjoy this movie and very fantastic movie.
साल 2022 में रिलीज हुई एक विलन रिटर्न्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जॉन अब्राहम के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एक विलन रिटर्न्स मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और मास्टर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि एक विलन रिटर्न्स मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 10 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 10 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ तो उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.1 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 29 जुलाई 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं एक विलन रिटर्न्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एक विलन इज रिसेंट टाइम्स ऑफ दिस डिसेंट विल मैड फ्रांसिस फिल्म दिस नोट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न अबाउट EDG द स्टोरी हैट ए लॉस्ट ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट वेरी सिक्वेंसी वाज टू गुड आई वुल डेफिनेटली वन इवन अर्जुन परफॉर्मेंस वाज मच बेटर इन दिस फिल्म तारास परफॉर्मेंस वाज रियली नाइस स्पेशल हेयर ऑन वॉइस इन द सॉन्ग्स वेरी टू शूटिंग इन द हेयर दिशा परफॉर्मेंस वाज रियली इंप्रेसिव इन दिस वन ऑफ बट दैन मैन हाईलाइट ऑफ दिस मूवी जॉन इज लिटेचर नेडेड इड ओवरऑल इट इज अनएक्सपेक्टेड स्टोरी विल सूरली मैक्स योर क्यूरियस वाउज यंगस्टर दिस फिल्म इज रियली गुड वन फॉर दैम विच एंड गुड थिएटर ए नाइस थ्रिलर एक विलन रिटर्न्स रिव ए सीरियल किलर ऑफ दिस प्रोवाइड दैट मैक्स ऑफ वेफ मूमेन ऑफ दिस साज सिक्वल टू इक्वल ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन मैन ऑफ दिस टू सो इपिन गुड मोहित सूरी नेवर डिस्पॉन्ड्स द स्क्रीन प्ले इज परफेक्ट मैक द मूवी लाइक चेरी ऑन टॉप सरप्राइज अर्जुन रेडिंग ऑफ दिस गुड एंड जॉन री प्रोवाइड येट अगेन स्क्रिप्ट इज गुड सीन्स ऑफ दिस गुड तारा एंड दिशा वार हॉट एंड सेक्सी आल्सो द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स रेस्पेक्ट मोहित सूरी म्यूजिक मैन ऑलवेज फ्रेश एंड टॉप नोट्स अगर ऑफ दिस मूवी डिजास्टर ऑल द अटेंशन ऑफ अप्रोचमेंट एट द बॉक्स ऑफिस इट नोट एंड सेंस एंड थ्रिलर यू कैन टर्न हेड्स कंपल्सरी बैड ऑफ ओवरऑल इज कंप्रोमाइज टू द फर्स्ट मूवी एंड देर वॉज एंड ह्यूज एंड वीम ऑफ द सैड लव स्टोरी एंड देन गोरी इन गवरोसिंग अटेंशन टूवर्ड्स द बीन वॉयलेंस बैकड्रॉप ऑफ दिस मूवी दिस वॉज ए प्लान इमोशन लेस डिसेंट बट वॉज डिसअपॉइंटिंग एक्ट्रेस ऑफ यूजफुल इज हिमसेल्फ द डिस्क्रिप्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट ऑफ मस्ट वॉच यू आल नॉट रिग्रेट बी कोज मूवी एक्चुअली गैव सेम एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एक विलन मूवी विन न्यू स्टोरी एंड आल्सो मेंटेन द फेस वन ओल्ड मूवी स्टोरी वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड एक्शन सस्पेंस ऑफ दिस गुड ऑफ दिस ट्रस्ट मी एंड गुड थिंक अबाउट नीड टू सपोर्ट सच मूवी सो दैट बॉलीवुड कैन अंडरस्टैंड द पास्ट से पार्ट सेकेंड शुड बी बेटर दैन पास्ट फर्स्ट वन मूवी मोर मसाला एंड दिस मूवी डिड इट वेल दिस मूवी होल्ड्स माई Heart for part 3 to just to go watch and support will better content it was good movie it keeps you busy throughout and guessing John did an amazing job in action and dialogue Arjun definitely have a comeback this really gave some hearing Kyun wife's Tara voice was amazing and both the actress are very pretty overall a good watch is the twist of this good such a good movie I do not know why people hating this movie but for me I really love it
जॉन एंड अर्जुन एक्टिंग वॉज माइंड ब्लोइंग स्पेशली जॉन आई होल्ड सक्सेस टू वॉच दिस मूवी एज ए सोन एज पॉसिबल यू कैन वॉच इट वंस डेफिनेटली फॉर अर्जुन कपूर्स एक्टिंग ही ट्रांसफॉर्मेड द आउटकास्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड एक्टिंग बोथ अंकित तिवारी सोम तारा दिशा एज यूजफुल रिपीटिंग देयर रोल्स फ्रॉम द पास्ट मूवी एंड जॉन बाबा सिंस इट बिल्ड्स एंड पीस फॉर मोहित सुतारिया एंड गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट प्रोसेस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी बेस्ट मूवी एंड आई हैव एवरी वॉचेबल द प्लॉट एंड स्टोरी सो वेल डन थ्रू आउट एंड देयर वॉज सो मैनी ट्विस्ट एंड क्लिफ्ट हैंगर्स इट वॉज हाईली एंटरटेनिंग जॉन अब्राहम्स एक्टिंग वॉज फिनोमिनल वुड डेफिनेटली कैन वॉच दिस सेकंड टाइम वुड बी गुड सम सिक्वेंसी विल बी रिमेन दैट ऑफ दिस मूवी आई लव द परफॉर्मेंस ऑफ जॉन एंड दिशा पार्टनी मोस्ट बट देयर कंपेरिजन ऑफ दिस मूवी इक विलन दैट ऑफ दिस माई फेवरेट मूवी वंस इट शुड बी वॉचेबल इन थिएटर इट वॉज रियली फुल ऑफ एक्शन थ्रिलियर मूवी बैटर दैन द फर्स्ट ऑफ वन इक विलन देयर आर सो मैनी एक्शन सीन्स हॉरर सीन्स एंड लॉर्ड्स ऑफ माई स्ट्रीम इन डिडेट जॉन एंड अर्जुन रियली लाइक दिस अवेसम द एक्शन सीन्स बिटवीन बोथ आर वेरी ट्रेडनेशनल वेल ऑफ दिस बॉलीवुड एंड जॉन अब्राहम डिड गुड जॉब दिस पटनी वॉट दिस कुल्ड टॉक अबाउट माई आल्सो लुकड बैटर दिस माउंटेन ऑयल मूवी सो सपारिंग मैक्स मी फॉर गेट मी डैड एवर लेफ्ट गलियां इसे इक विनिकल ऑफ दिस गुड बैक द फैंटेस्टी मूवी और बींग टू एंड योर नोट फॉर दिस सिंगल एंड गुड attention of this good thing about very intelligent I have very think and good thing center met finally this Bollywood movie and in dropped of mass movie from Bollywood definitely disaster to be watchable only performance second part is better and bigger than first part really good refreshing and worthful movie John Abraham nailed it with his killer look and intensity role who is the driving force of this Arjun Kapoor did so well done in a badmass look not as good the first movie but second half was enjoying available and thriller of this good in love with Tara voice such an amazing movie especially Tara Sutaria is singing debut in this movie I am just addiction to her voice everyone gave their best love in especially song selection was amazing and love the whole team did an amazing work I love to see Tara and Disha in one of this movie went this movie and more successful and it was going blockbuster hitting and as well done this movie of this good it was really amazing expression it was a really twisting story with great elements as per acting Arjun was super Disha did really good Tara was excellent with her insane and emotional side and John was okay overall the movie was amazing Mohit Suri never disappoints why Bollywood can trust of disappointment see story was not there and Arjun Kapoor acting really nailed it it is one of the finished comeback movie of Arjun Kapoor one must watch no matter if you are a fan of Arjun Kapoor or not but after seeing this movie I hold up this movie is truly true masterpiece I agree that the second half was little predictable but the rest had me at the edg of my seat the ending is the reason my review is 5 star I would say this is a movie worth watching it is go so good one time watchable but up this good I enjoy this movie and very fantastic movie साल 2022 में रिलीज हुई एक विलन रिटर्न्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जॉन अब्राहम के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एक विलन रिटर्न्स मूवी था जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और माई स्टोरी की कैटेगरी की फिल्म जो कि एक विलन रिटर्न्स मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 10 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 10 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी
को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.1 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 29 जुलाई 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं एक विलन रिटर्न्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एक विलन इज रिसेंट टाइम्स ऑफ दिस डिसेंट विल मैड फ्रांसिस फिल्म दिस नोट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न अबाउट EDG द स्टोरी हैट ए लॉस्ट ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट वेरी सिक्वेंसी वाज टू गुड आई वुल डेफिनेटली वन इवन अर्जुन परफॉर्मेंस वाज मच बेटर इन दिस फिल्म तारास परफॉर्मेंस वाज रियली नाइस स्पेशल हेयर ऑन वॉइस इन द सॉन्ग्स वेरी टू शूटिंग इन द हेयर दिस परफॉर्मेंस वाज रियली इंप्रेसिव इन दिस वन ऑफ बट दैन मैन हाईलाइट ऑफ दिस मूवी जोन इज लिटेचर नेडेड इड ओवरऑल इट इज अनएक्सपेक्टेड स्टोरी विल सूरली मैक्स योर क्यूरियस वाउज यंगस्टर दिस फिल्म इज रियली गुड वन फॉर दैम विच एंड गुड थिएटर ए नाइस थ्रिलर एक विलन रिटर्न्स रिव्यू ए सीरियल किलर ऑफ दिस प्रोवाइड दैट मैक्स ऑफ वेपा मूमेन ऑफ दिस साज सिक्वल टू इक्वल ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन मैन ऑफ दिस टू सो इपिन गुड मोहित सूरी नेवर डिस्पॉन्ट्स द स्क्रीन प्ले इज परफेक्ट मैक द मूवी लाइक चेरी ऑन टॉप सरप्राइज अर्जुन रेडिंग ऑफ दिस गुड एंड जॉन री प्रोवाइड येट अगेन स्क्रिप्ट इज गुड सीन्स ऑफ दिस गुड एंड गुड तारा एंड दिशा वार हॉट एंड सेक्सी आल्सो द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स रेस्पेक्ट मोहित सूरी म्यूजिक मैन ऑलवेज फ्रेश एंड टॉप नोट्स अगर ऑफ दिस मूवी डिजास्टर ऑल द अटेंशन ऑफ अप्रोचमेंट एट द बॉक्स ऑफिस इट नोट एंड सेंस एंड थ्रिलर यू कैन टर्न हेड्स कंपल्सरी बैड ऑप ओवरऑल इज कंप्रोमाइज टू द फर्स्ट मूवी एंड देर वॉज एंड ह्यूज एंड वीम ऑफ द सैड लव स्टोरी एंड दैन गोरी इन गवरोसिंग अटेंशन टूवर्ड्स द बीन वोयलेंस बैकड्रॉप ऑफ दिस मूवी दिस वॉज ए प्लान इमोशनल लेस डिसेंट बट वॉज डिस्पॉन्टिंग एक्ट्रेस ऑफ यूजफुल इज हिमसेल्फ द डिसक्रॉप्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट ऑफ मस्ट वॉच यू आल नॉट रिग्रेट बिकॉज मूवी एक्चुअली गैव सेम एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एक विलन मूवी विन न्यू स्टोरी एंड आल्सो मेंटेन द फेस ऑन ओल्ड मूवी स्टोरी वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड एक्शन सस्पेंस ऑफ दिस गुड ऑफ दिस ट्रस्ट मी एंड गुड थिंक अबाउट नीड टू सपोर्ट सच मूवी सो दैट बॉलीवुड कैन अंडरस्टैंड द पास्ट से पार्ट सेकेंड शुड बी बेटर दैन पास्ट फर्स्ट वन मूवी मोर मसाला एंड दिस मूवी डिड इट वेल दिस मूवी होल्ड्स माई हार्ट Fourth part 3 to just to go watch and support will better content it was good movie it keeps you busy throughout and guessing John did an amazing job in action and dialogue Arjun definitely have a comeback this really gave some hearing Kyun wife Tara voice was amazing and both the actress are very pretty overall a good watch is the twist of this good such a good movie I do not know why people hating this movie but for me I really love it John and Arjun acting was mind blowing especially John I hold a success to watch this movie as a soon as possible you can watch it once definitely for Arjun Kapoor's acting he transformed the outcast himself from the rest in terms of looks and acting both Ankit Tiwari Som Tara Disha as usual repeating their roles from the past movie and John Baba since it builds and peace for Mohit Sutaria and good think about throughout process and good think about very best movie and I have every watchable the plot and story so well done throughout and there was so many twist and cliffhanger Hangers, it was highly entertaining. John Abrams' acting was phenomenal. Would definitely can watch this second time. Would be good. Some sequence will be remain dealt of this movie. I love the performance of John and Disha partnering most, but their comparison of this movie equivalent of that of this my favorite movie. Once it should be watchable in theater. It was really full of action thriller movie better than the first of one equivalent. There are so many action.
एक्शन सीन्स हॉरर सीन्स एंड लॉर्ड्स ऑफ माई स्ट्रीम इन डिडेट जोन एंड अर्जुन रियली लाइक दिस अवेसम द एक्शन सीन्स बिटवीन बोथ आर वेरी ट्रेडनेशन वेल ऑफ दिस बॉलीवुड एंड जोन अब्राम डिड गुड जॉब दिस सॉन्ग बट एनी वो दिस कुल्ड टॉक अबाउट माई आल्सो लुक्ड बेटर दिस माउंटेन ऑयल मूवी सो सपरिंग मैक्स मी फॉर गेट मी डैड एवर लेफ्ट गलियां इसे एक विकल ऑफ दिस गुड बैक द फैंटेस्टिक मूवी और बींग टू एंड योर नोट फॉर दिस सिंगल एंड गुड अटेंशन ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव वेरी थिंक एंड गुड थिंग सेंटर मैट फाइनली दिस बॉलीवुड मूवी एंड इन ड्रॉप्ड ऑफ मास मूवी फ्रॉम बॉलीवुड डेफिनेटली डिजास्टर टू बी वॉचेबल ओनली परफॉर्मेंस सेकेंड पार्ट इज बेटर एंड बिगर दैन फर्स्ट पार्ट रियली गुड रिफ्रेशिंग एंड वर्थफुल मूवी जॉन अब्राम नेल्ड इट विद हिज किलर लुक एंड इंटेंसिटी रोल हु इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस अर्जुन कपूर डिड सो वेल डन इन बदमाश लुक नॉट एज गुड द फर्स्ट मूवी बट सेकेंड हाफ वॉज एंजॉय अवेलेबल एंड थ्रिलियर ऑफ दिस गुड इन लव विथ तारा वॉइस सच एन अमेजन मूवी स्पेशली तारा सुतारिया इज सिंगिंग डेब्यू इन दिस मूवी आई एम जस्ट एडिक्शन टू हेयर वॉइस एवरी वन गेव देयर बेस्ट लव इन स्पेशली सॉन्ग सेलेक्शन वॉज अमेजन एंड लव द होल टीम डिड एन अमेजन वर्क आई लव टू सी तारा एंड दिशा इन वन ऑफ दिस मूवी वेंट दिस मूवी एंड मोरी सक्सेसफुल एंड इट वॉज गोइंग ब्लॉकबस्टर हिटिंग एंड वेज वेल डन दिस मूवी ऑफ दिस गुड इट वॉज रियली अमेजन an expression it was a really twisting story with great elements as per acting arjun was super disha did really good tara was excellent with her insights and emotional side and john was okay overall the movie was amazing mohit suri never disappoints why bollywood can trust of disappointment see story was not there and arjun kapoor acting really nailed it it is one of the finished comeback movie of arjun kapoor one must watch no matter if you are a fan of Arjun Kapoor or not but after seeing this movie I hold up this movie is truly true masterpiece I agree that the second half was little predictable but the rest had me at the edge of my seat the ending is the reason my review is 5 star I would say this is a movie worth watching it is so good one time watchable but hope this good I enjoy this movie and very fantastic movie साल 2022 में रिलीज हुई एक विलन रिटर्न्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जॉन अब्राहम के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एक विलन रिटर्न्स मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और माई स्ट्री की कैटेगरी की फिल्म, जो कि एक विलन रिटर्न्स मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 10 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 10 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ़ तो उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.1 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 29 जुलाई 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं एक विलन रिटर्न्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एक विलन इज रिसेंट टाइम्स ऑफ दिस डिसेंट विल मैड फ्रांसिस फिल्म दिस नोट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न अबाउट EDG द स्टोरी हैट ए लॉस्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी सिक्वेंसी वाज टू गुड आई वुड डेफिनेटली वन इवन अर्जुन परफॉर्मेंस वाज मच बेटर इन दिस फिल्म तारास परफॉर्मेंस वाज रियली नाइस स्पेशल हेयर ऑन वॉइस इन द सॉन्ग्स वेरी टू शूटिंग इन द हेयर दिशा परफॉर्मेंस वाज रियली इम्प्रेसिव इन दिस वन ऑफ बट दैन मैन हाईलाइट ऑफ
दिस मूवी जॉन इज लिटेचर नेडेड इड ओवरऑल इट इज अनएक्सपेक्टेड स्टोरी विल सूरली मैक्स योर क्यूरियस वाउज यंगस्टर दिस फिल्म इज रियली गुड वन फॉर दैम विच एंड गुड थिएटर ए नाइस थ्रिलर इक विलन रिटर्न रिव ए सीरियल किलर ऑफ दिस प्रोवाइड दैट मैक्स ऑफ वेपा मूमेन ऑफ दिस साज सिक्वल टू इक्वल ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट आई हैव एवरी सीन मैन ऑफ दिस टू सो इपिन गुड मोहित सूरी नेवर डिस्पॉन्स द स्क्रीन प्ले इज परफेक्ट मैक द मूवी लाइक चेरी ऑन टॉप सरप्राइज अर्जुन रेडिंग ऑफ दिस गुड एंड जॉन री प्रोवाइड येट अगेन स्क्रिप्ट इज गुड सीन्स ऑफ दिस गुड एंड गुड तारा एंड दिशा वार हॉट एंड सेक्सी आल्सो द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स रेस्पेक्ट मोहित सूरी म्यूजिक मैन ऑलवेज फ्रेश एंड टॉप नोट्स अगर ऑफ दिस मूवी डिजास्टर ऑल द अटेंशन ऑफ अप्रोचमेंट एट द बॉक्स ऑफिस इट नोट एंड सेंस एंड थ्रिलर यू कैन टर्न हेड्स कंपल्सरी बैड ऑफ ओवरऑल इज कंप्रोमाइज टू द फर्स्ट मूवी एंड देयर वॉज एंड ह्यूज एंड वीम ऑफ द सैड लव स्टोरी एंड दैन गोरी इन गवरोसिंग अटेंशन टूवर्ड्स द बीन वोयलेंस बैकड्रॉप ऑफ दिस मूवी दिस वॉज ए प्लान इमोशन लेस डिसेंट बट वॉज डिस्पॉन्टिंग एक्ट्रेस ऑफ यूजफुल इज हिमसेल्फ द डिस्क्रॉप्ट ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट वेरी इंटेलिजेंट ऑफ मस्ट वॉच यू आल नॉट रिग्रेट बिकॉज मूवी एक्चुअली गैव सेम एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एक विलन मूवी विन न्यू स्टोरी एंड आल्सो मेंटेन द फेस ऑन ओल्ड मूवी स्टोरी वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड एक्शन सस्पेंस ऑफ दिस गुड ऑफ दिस ट्रस्ट मी एंड गुड थिंक अबाउट नीड टू सपोर्ट सच मूवी सो दैट बॉलीवुड कैन अंडरस्टैंड द पास्ट से पार्ट सेकेंड शुड बी बेटर दैन पास्ट फर्स्ट वन मूवी मोर मसाला एंड दिस मूवी डिड इट वेल दिस मूवी होल्ड्स माई हार्ट फॉर पार्ट थ्री टू जस्ट टू गो वॉच एंड सपोर्ट विल बेटर कंटेंट इट वॉज गुड मूवी इट कीप्स यू बिजी थ्रू आउट एंड ग्यूसिंग जॉन डिड एन अमेजन जॉब इन एक्शन एंड डायलॉग अर्जुन डेफिनेटली हैव ए कम बैक दिस आर रियली गैव सम हियरलिंग क्यून वाइफ तारा वॉइस वॉज अमेजन एंड बोथ द एक्ट्रेस आर वेरी प्रीती ओवरऑल ए गुड वॉच इज ट्विस्ट ऑफ दिस गुड सच ए गुड मूवी आई डू नॉट न्यू वाई पीपुल हैटिंग दिस मूवी बट फॉर मी आई रियली लव इट जॉन एंड अर्जुन एक्टिंग वॉज माइंड ब्लोइंग स्पेशली जॉन आई होल्ड ए सक्सेस टू वॉच दिस मूवी एज ए सोन एज पॉसिबल यू कैन वॉच इट वंस डेफिनेटली फॉर अर्जुन कपूर एक्टिंग ही ट्रांसफॉर्मेड द आउटकास्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड एक्टिंग बोथ अंकित तिवारी सोम तारा दिशा एज यूजफुल रिपीटिंग देयर रोल्स फ्रॉम द पास्ट मूवी एंड जॉन बाबा सिंस इट बिल्ड्स एंड पीस फॉर मोहित सुतारिया एंड गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट प्रोसेस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी बेस्ट मूवी एंड आई हैव एवरी वॉचेबल द प्लॉट एंड स्टोरी सो वेल डन थ्रू आउट एंड देयर वॉज सो मैनी ट्विस्ट एंड क्लिप्ट Hangers, it was highly entertaining. John Abrams' acting was phenomenal. Would definitely can watch this second time. Would be good. Some sequences will be remain dealt of this movie. I love the performance of John and Disha partnering most, but their comparison of this movie equivalent that of this my favorite movie. Once it should be watchable in theater. It was really full of action thriller movie better than the first of one equivalent. There are so many action scenes, horror scenes and lots of my stream in Didette, John and Arjun really like this awesome the action scenes between both are very traditional well of this Bollywood and John Abraham did good job the song Patani was this cold talk about my also looked better this mountain oil movie so supporting Max me forget me dad ever left Galiyan is a equivocal of this good back the fantastic movie or being to end your note for the single and good attempt Mention of this good thing about very intelligent I have very think and good thing sentiment finally this Bollywood movie and in dropped of mass movie from Bollywood definitely disaster to be watchable only performance second part is better and bigger than first part really good refreshing and worthful movie John Abraham nailed it with his killer look and intensity role who is the driving force of this Arjun Kapoor did so well done in a badmass look not as good the first movie but second half was enjoyable and thriller of this good in love
विद तारा वॉइस सच एन अमेजन मूवी स्पेशली तारा सुतारिया इज सिंगिंग डेब्यू इन दिस मूवी आई एम जस्ट एडिक्शन टू हेयर वॉइस एवरी वन गेव देयर बेस्ट लव इन स्पेशली सॉन्ग सेलेक्शन वॉज अमेजन एंड लव द होल टीम डिड एन अमेजन वर्क आई लव टू सी तारा एंड दिशा इन वन ऑफ दिस मूवी वेंट दिस मूवी एंड मोरी सक्सेसफुल एंड इट वॉज गोइंग ब्लॉकबस्टर हिटिंग एंड वेज वेल डन दिस मूवी ऑफ दिस गुड इट वॉज रियली अमेजन an expression it was a really twisting story with great elements as per acting arjun was super disha did really good tara was excellent with her insights and emotional side and john was okay overall the movie was amazing mohit suri never disappoints why bollywood can trust of disappointment see story was not there and arjun kapoor acting really nailed it it is one of the finest comeback movie of arjun kapoor one must watch no matter if you are a fan of Arjun Kapoor or not but after seeing this movie I hold up this movie is truly true masterpiece I agree that the second half was little predictable but the rest had me at the edge of my seat the ending is the reason my review is 5-star I would say this is a movie worth watching it is so good one time watchable but hope this good I enjoy this movie and very fantastic movie साल 2022 में रिलीज हुई एक विलन रिटर्न्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जॉन अब्राहम के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एक विलन रिटर्न्स मूवी था जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और माई स्ट्री की कैटेगरी की फिल्म जो कि एक विलन रिटर्न्स मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 10 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 10 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.1 है और इस मूवी की रिलीज डेट 29 जुलाई 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं एक विलन रिटर्न्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एक विलन इज रिसेंट टाइम्स ऑफ दिस डिसेंट विल मैड फ्रांसिस फिल्म दिस नोट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न अबाउट EDG द स्टोरी हैट ए लॉस्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी सिक्वेंसी वाज टू गुड आई वुड डेफिनेटली वन इवन अर्जुन परफॉर्मेंस वाज मच बेटर इन दिस फिल्म तारास परफॉर्मेंस वाज रियली नाइस स्पेशल हेयर ऑन वॉइस इन द सॉन्ग्स वेरी टू शूटिंग इन द हेयर दिशा परफॉर्मेंस वाज रियली इंप्रेसिव इन दिस वन ऑफ बट दैन मैन हाईलाइट ऑफ this movie John is literature needed it overall it is unexpected story will surely make your curious wows youngster this film is really good one for them which and good theater a nice thriller ek villain returns Ryu a serial killer of this provide that max of wave of movement of this sad sequel to equal of this good think about I have every scene man of this too so ipin good Mohit Suri never disappoints the screenplay is perfect make the movie like cherry on top surprise Arjun reading of this good and John reprovide yet again script is good scenes of this good Tara and Disha were hot and sexy also the play very important roles respect Mohit Suri music man always fresh and top notes agar of this movie disaster all the attention of approachment at the box office it not and sense and thriller you can
कैन टर्न हेड्स कंपलसरी बैड ऑफ ओवरऑल इज कंप्रोमाइज टू द फर्स्ट मूवी एंड देर वॉज एंड ह्यूज एंड वीम ऑफ द सैड लव स्टोरी एंड दैन गोरी इन गवरोसिंग अटेंशन टूवर्ड्स द बीन वोयलेंस बैकड्रॉप ऑफ दिस मूवी दिस वॉज ए प्लान इमोशन लेस डिसेंट बट वॉज डिसअपॉइंटिंग एक्ट्रेस ऑफ यूजफुल इज हिमसेल्फ द डिस्क्रिप्ट ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट वेरी इंटेलिजेंट ऑफ मस्ट वॉच यू आल नॉट रिग्रेट बिकॉज मूवी एक्चुअली गैव सेम एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एक विलन मूवी विन न्यू स्टोरी एंड आल्सो मेंटेन द फेस वन ओल्ड मूवी स्टोरी वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड एक्शन सस्पेंस ऑफ दिस गुड ऑफ दिस ट्रस्ट मी एंड गुड थिंक अबाउट नीड टू सपोर्ट सच मूवी सो दैट बॉलीवुड कैन अंडरस्टैंड द पास्ट से पार्ट सेकेंड शुड बी बेटर दैन पास्ट फर्स्ट वन मूवी मोर मसाला एंड दिस मूवी डिड इट वेल दिस मूवी होल्ड्स माई हार्ट फॉर पार्ट थ्री टू जस्ट टू गो वॉच एंड सपोर्ट विल बेटर कंटेंट इट वॉज गुड मूवी इट कीप्स यू बिजी थ्रू आउट एंड ग्यूसिंग जोन डिड एन अमेजन जॉब इन एक्शन एंड डायलॉग अर्जुन डेफिनेटली हैव ए कम बैक दिस आर रियली गैव सम हियरली क्यून वाइफ तारा वॉइस वॉज अमेजन एंड बोथ द एक्ट्रेस आर वेरी प्रीती ओवर ऑल ए गुड वॉच इज ट्विस्ट ऑफ दिस गुड सच ए गुड मूवी आई डू नॉट न्यू वाई पीपुल हैटिंग दिस मूवी बट फॉर मी आई रियली लव इट जॉन एंड अर्जुन एक्टिंग वॉज माइंड ब्लोइंग स्पेशली जॉन आई होल्ड ए सक्सेस टू वॉच दिस मूवी एज ए सोन एज पॉसिबल यू कैन वॉच इट वंस डेफिनेटली फॉर अर्जुन कपूर्स एक्टिंग ही ट्रांसफॉर्मेड द आउटकास्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड एक्टिंग बोथ अंकित तिवारी सोम स्तारा दिशा एज यूजफुल रिपीटिंग देयर रोल्स फ्रॉम द पास्ट मूवी एंड जॉन बाबा सिंस इट बिड्स एंड पीस फॉर मोहित सुतारिया एंड गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट प्रोसेस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी बेस्ट मूवी एंड आई हैव एवरी वॉचेबल द प्लॉट एंड स्टोरी सो वेल डन थ्रू आउट एंड देयर वॉज सो मैनी ट्विस्ट एंड क्लिफ्ट Hangers, it was highly entertaining. John Abrams' acting was phenomenal. Would definitely can watch this second time. Would be good. Some sequences will be remain dealt of this movie. I love the performance of John and Disha partnering most, but their comparison of this movie equivalent that of this my favorite movie. Once it should be watchable in theater. It was really full of action thriller movie better than the first of one equivalent. There are so many action. Scenes, horror scenes, and lots of my stream in Didette, John and Arjun really like this awesome. The action scenes between both are very traditional. Well, of this Bollywood and John Abraham did good job. The song Patani what this could talk about. My also looked better. This mountain oil movie so supporting makes me forget me dad ever left. Galiyan is a equivocal of this good back. The fantastic movie or being to end your note for this single and good attempt. Mention of this good thing about very intelligent I have very think and good thing center met finally this Bollywood movie and in dropped of mass movie from Bollywood definitely disaster to be watchable only performance second part is better and bigger than first part really good refreshing and worthful movie John Abraham nailed it with his killer look and intensity role who is the driving force of this Arjun Kapoor did so well done in a badmass look not as good the first movie but second half was enjoyable and thriller of this good in love with Tara voice such an amazing movie especially Tara Sutaria is singing debut in this movie I am just addiction to her voice everyone gave their best love in especially song selection was amazing and love the whole team did an amazing work I love to see Tara and Disha in one of this movie went this movie and more successful and it was going blockbuster hitting and as well done this movie of this good it was really amazing expression it was a really twist story with great elements as per acting Arjun was super Disha did really good Tara was excellent with her insane and emotional side and John was okay overall the movie was amazing Mohit Suri never disappoints why Bollywood can trust of disappointment see story was not there and Arjun Kapoor acting really nailed it it is one of the finished comeback movie of Arjun Kapoor one must watch no matter
मैटर इफ यू आर ए फैन ऑफ अर्जुन कपूर और नॉट, बट आफ्टर सीइंग दिस मूवी आई होल्ड ऑफ दिस मूवी इज ट्रूली ट्रू मास्टर पीस। एग्री दैट द सेकेंड हाल्फ वॉज लिटिल प्रेडिटेबल बट द रेस्ट हैड मी एट द ईडीजी ऑफ माई सीट। द एंडिंग इज द रीजन माई रिव्यू इज 5 स्टार। आई वुड से दिस इज अ मूवी वर्थ वॉचिंग, इट इज गो सो गुड वन टाइम वॉचेबल बट ऑफ दिस गुड आई एंजॉय दिस मूवी एंड वेरी फैंटास्टिक मूवी। साल 2022 में रिलीज हुई एक विलन रिटर्न्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जॉन अब्राहम के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एक विलन रिटर्न्स मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और माइस्ट्री की कैटेगरी की फिल्म, जो कि एक विलन रिटर्न्स मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 10 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 10 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ तो उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो Google यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.1 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 29 जुलाई 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं एक विलन रिटर्न्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एक विलन इज रिसेंट टाइम्स ऑफ दिस डिसेंट विल मैड फ्रांसिस फिल्म दिस नोट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न अबाउट ईडीजी द स्टोरी हैट ए लॉस्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी सिक्वेंसी वाज टू गुड आई वुड डेफिनेटली वन इवन अर्जुन परफॉर्मेंस वाज मच बेटर इन दिस फिल्म। तारास परफॉर्मेंस वाज रियली नाइस स्पेशल हेयर ऑन वॉइस इन द सॉन्ग्स वेरी टू शूटिंग इन द हेयर दिशा परफॉर्मेंस वाज रियली इंप्रेसिव इन दिस वन ऑफ बट दैन मैन हाईलाइट ऑफ दिस मूवी जॉन इज लिटेचर नेडिड इड ओवर ऑल इट इज अनएक्सपेक्टेड स्टोरी विल सूरली मैक्स योर क्यूरियस वाउज यंगस्टर दिस फिल्म इज रियली गुड वन फॉर दैम विच एंड गुड थिएटर ए नाइस थ्रिलर एक विलन रिटर्न्स रिव्यू ए सीरियल किलर ऑफ दिस प्रोवाइड दैट मैक्स ऑफ वेपा मूमेन ऑफ दिस साज सिक्वल टू इक्वल ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन मैन ऑफ दिस टू सो इपिन गुड मोहित सूरी नेवर डिसपॉइंट्स द स्क्रीन प्ले इज परफेक्ट मैक द मूवी लाइक चेरी ऑन टॉप सरप्राइज अर्जुन रेडिंग ऑफ दिस गुड एंड जॉन री प्रोवाइड येट अगेन स्क्रिप्ट इज गुड सीन्स ऑफ दिस गुड एंड गुड तारा एंड दिशा वार हॉट एंड सेक्सी आल्सो द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स रेस्पेक्ट मोहित सूरी म्यूजिक मैन ऑलवेज फ्रेश एंड टॉप नोट्स अगर ऑफ दिस मूवी डिजास्टर ऑल द अटेंशन ऑफ अप्रोचमेंट एट द बॉक्स ऑफिस इट नोट एंड सेंस एंड थ्रिलर यू कैन टर्न हेड्स कंपल्सरी बैड ऑफ ओवरऑल इज कंप्रोमाइज टू द फर्स्ट मूवी एंड देर वॉज एंड ह्यूज एंड वीम ऑफ द सैड लव स्टोरी एंड दैन गोरी इन गवरोसिंग अटेंशन टूवर्ड्स द बीन वोयलेंस बैकड्रॉप ऑफ दिस मूवी दिस वॉज ए प्लान इमोशन लेस डिसेंट बट वॉज डिसपॉइंटिंग एक्ट्रेस ऑफ यूजफुल इज हिमसेल्फ द डिसक्रॉप्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट ऑफ मस्ट वॉच यू आल नॉट रिग्रेट बिकॉज मूवी एक्चुअली गैव सेम एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एक विलन मूवी विन न्यू स्टोरी एंड आल्सो मेंटेन द फेस वन ओल्ड मूवी स्टोरी वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड एक्शन सस्पेंस ऑफ दिस गुड ऑफ दिस ट्रस्ट मी एंड गुड थिंक अबाउट नीड टू सपोर्ट सच मूवी सो दैट बॉलीवुड कैन अंडरस्टैंड द पास्ट से पार्ट सेकेंड शुड बी बेटर दैन पास्ट फर्स्ट वन मूवी मोर मसाला एंड दिस मूवी डिड इट वेल दिस मूवी होल्ड्स माई हार्ट फोर्ट फॉर
part 3 to just to go watch and support will better content. It was good movie. It keeps you busy throughout and Gyu Sing Joon did an amazing job in action and dialogue. Arjun definitely have a comeback. This really gave some hearing. Kyun wife Tara voice was amazing and both the actress are very pretty. Overall a good watch is the twist of this good such a good movie. I do not know why people hating this movie, but for me I really love it. Joon and Arjun acting was mind blowing, especially Joon. I would suggest to watch this movie as soon as possible. You can watch it once definitely for Arjun Kapoor's acting. He transformed the outcast himself from the rest in terms of looks and acting. Both Ankit Tiwari, Som Tara Disa as usual repeating their roles from the past movie, and Joon Baba since it builds and peace for Mohit Sutaria and good thing about throughout process and good thing about very best movie and I have every watchable. The plot and story so well done throughout and there was so many twists and clifton hangers. It was highly entertaining. Joon Abraham's acting was phenomenal. Would definitely can watch this second time. Would be good. Some sequence will be remain dealt of this movie. I love the performance of Joon and Disha Patani most, but their comparison of this movie equivalent that of this my favorite movie. Once it should be watchable in theater. It was really full of action thriller movie, better than the first of one equivalent. There are so many action scenes, horror scenes and lords of my stream. Indeed, Joon and Arjun really like this awesome. The action scenes between both are very traditional well of this Bollywood and Joon Abraham did good job. The song Patani was this cold talk about my also looked better. This mountain oil movie so supporting makes me forget me dad ever left. Galiyan is a equivocal of this good back. The fantastic movie or being to end your note for this single and good attack. Tension of this good thing about very intelligent I have very think and good thing center met finally this Bollywood movie and in dropped of mass movie from Bollywood definitely disaster to be watchable. Only performance second part is better and bigger than first part. Really good refreshing and worthful movie. Joon Abraham nailed it with his killer look and intensity role. Who is the driving force of this? Arjun Kapoor did so well done in a badmass look. Not as good the first movie, but second half was enjoyable and thriller of this good in love with Tara voice. Such an amazing movie, especially Tara Sutaria is singing debut in this movie. I am just addiction to her voice. Everyone gave their best love in, especially song selection was amazing and love the whole team did an amazing work. I love to see Tara and Disha in one of this movie. Went this movie and more successful and it was going blockbuster hitting and was well done. This movie of this good, it was really amazing expression. It was a really twist story with great elements. As per acting, Arjun was super. Disha did really good. Tara was excellent with her insights and emotional side and Joon was okay. Overall the movie was amazing. Mohit Suri never disappoints. Why Bollywood can trust of disappointment. See story was not there and Arjun Kapoor acting really nailed it. It is one of the finished comeback movie of Arjun Kapoor. One must watch no matter if you are a fan of Arjun Kapoor or not, but after seeing this movie I hold up this movie is truly true masterpiece. I agree that the second half was little predictable, but the rest had me at the edge of my seat. The ending is the reason my review is 5-star. I would say this is a movie worth watching. It is so good, one time watchable, but up this good. I enjoy this movie and very fantastic movie. साल 2022 में रिलीज हुई एक विलन रिटर्न्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जॉन अब्राहम के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एक विलन रिटर्न्स मूवी था जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और माई स्ट्री की कैटेगरी की फिल्म जो कि एक विलन रिटर्न्स मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियो
ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 10 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 10 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली हैं। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.1 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 29 जुलाई 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं एक विलन रिटर्न्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एक विलन इज रिसेंट टाइम्स ऑफ दिस डिसेंट विल मैड फ्रांसिस फिल्म दिस नोट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न अबाउट EDG द स्टोरी हैट ए लॉस्ट ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट वेरी सिक्वेंसी वाज टू गुड आई वुल डेफिनेटली वन इवन अर्जुन परफॉर्मेंस वाज मच बेटर इन दिस फिल्म तारास परफॉर्मेंस वाज रियली नाइस स्पेशल हेयर ऑन वॉइस इन द सॉन्ग्स वेरी टू शूटिंग इन द हेयर दिस परफॉर्मेंस वाज रियली इंप्रेसिव इन दिस वन ऑफ बट दैन मैन हाईलाइट ऑफ दिस मूवी जोन इज लिटेचर नेडेड इड ओवरऑल इट इज अनएक्सपेक्टेड स्टोरी विल सूरली मैक्स योर क्यूरियस वाउज यंगस्टर दिस फिल्म इज रियली गुड वन फॉर दैम विच एंड गुड थिएटर ए नाइस थ्रिलर एक विलन रिटर्न्स रिव्यू ए सीरियल किलर ऑफ दिस प्रोवाइड दैट मैक्स ऑफ वेपा मूमेन ऑफ दिस साज सिक्वल टू इक्वल ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन मैन ऑफ दिस टू सो इपिन गुड मोहित सूरी नेवर डिस्पॉन्ड्स द स्क्रीन प्ले इज परफेक्ट मैक द मूवी लाइक चेरी ऑन टॉप सरप्राइज अर्जुन रेडिंग ऑफ दिस गुड एंड जॉन री प्रोवाइड येट अगेन स्क्रिप्ट इज गुड सीन्स ऑफ दिस गुड एंड गुड तारा एंड दिशा वार हॉट एंड सेक्सी आल्सो द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स रेस्पेक्ट मोहित सूरी म्यूजिक मैन ऑलवेज फ्रेश एंड टॉप नोट्स अगर ऑफ दिस मूवी डिजास्टर ऑल द अटेंशन ऑफ अप्रोचमेंट एट द बॉक्स ऑफिस इट नोट एंड सेंस एंड थ्रिलर यू कैन टर्न हेड्स कंपल्सरी बैड ऑप ओवरऑल इज कंप्रोमाइज टू द फर्स्ट मूवी एंड देर वॉज एंड हुज एंड वीम ऑप द सैड लव स्टोरी एंड दैन गोरी इन गवरोसिंग अटेंशन टूवर्ड्स द बीन वोयलेंस बैकड्रॉप ऑफ दिस मूवी दिस वॉज ए प्लान इमोशनलेस डिसेंट बट वॉज डिस्पॉन्टिंग एक्ट्रेस ऑफ यूजफुल इज हुम सेल्फ द डिस्क्रॉप्ट ऑप दिस गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट ऑप मस्ट वॉच यू आल नॉट रिग्रेट बिकॉज मूवी एक्चुअली गैव सेम एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एक विलन मूवी विन न्यू स्टोरी एंड आल्सो मेंटेन द फेस ऑन ओल्ड मूवी स्टोरी वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड एक्शन सस्पेंस ऑफ दिस गुड ऑफ दिस ट्रस्ट मी एंड गुड थिंक अबाउट नीड टू सपोर्ट सच मूवी सो दैट बॉलीवुड कैन अंडरस्टैंड द पास्ट से पार्ट सेकेंड शुड बी बेटर दैन पास्ट फर्स्ट वन मूवी मोर मसाला एंड दिस मूवी डिड इट वेल दिस मूवी होल्ड्स माई हार्ट Fort Part 3 to just to go watch and support will better content it was good movie it keeps you busy throughout and guessing John did an amazing job in action and dialogue Arjun definitely have a comeback this really gave some hearing Kyun wife's Tara voice was amazing and both the actress are very pretty overall a good watch is the twist of this good such a good movie I do not know why people hating this movie but for me I really love it John and Arjun acting was mind blowing especially John I hold a success to watch this movie as a soon as possible you can watch it once definitely for Arjun Kapoor's acting he transformed the outcast himself from the rest in terms of looks and acting both Ankit Tiwari Som Tara Disha as usual repeating their roles from the past movie and John Bava since it builds and peace for Mohit Sutaria and good think about throughout process and good think about very best movie and I have every watchable the plot and story so well done throughout and there was so many twists and cliffhangers
Hangers, it was highly entertaining. John Abraham's acting was phenomenal. Would definitely can watch this second time. Would be good. Some sequence will be remain that of this movie. I love the performance of John and Disha Patani most, but their comparison of this movie equivalent that of this my favorite movie. Once it should be watchable in theater. It was really full of action thriller movie, better than the first of one equivalent. There are so many action scenes, horror scenes, and lots of my stream in that John and Arjun really like this. Awesome, the action scenes between both are very traditional well of this Bollywood, and John Abraham did good job. The song Patani was this could talk about my also looked better. Disappointing oil movie, so suffering makes me forget me dad ever left. Galiyan is a equivocal of this good back. The fantastic movie or being to end your note for this single and good attempt. Tension of this good thing about very intelligent. I have very think and good thing center met finally this Bollywood movie and in dropped of mass movie from Bollywood. Definitely disaster to be watchable. Only performance second part is better and bigger than first part. Really good refreshing and worthful movie. John Abraham nailed it with his killer look and intensity role. Who is the driving force of this? Arjun Kapoor did so well done in a badmass look. Not as good the first movie, but second half was enjoyable and thriller. Of this good in love with Tara voice, such an amazing movie. Especially Tara Sutaria is singing debut in this movie. I am just addiction to her voice. Everyone gave their best love in, especially song selection was amazing and love the whole team did an amazing work. I love to see Tara and Disha in one of this movie. Went this movie and more successful and it was going blockbuster hitting and was well done. This movie of this good, it was really amazing expression. It was a really twisting story with great elements as per acting. Arjun was super. Disha did really good. Tara was excellent with her insights and emotional side, and John was okay. Overall the movie was amazing. Mohit Suri never disappoints. Why Bollywood can trust of disappointment. See, story was not there and Arjun Kapoor acting really nailed it. It is one of the finished comeback movie of Arjun Kapoor. One must watch no matter if you are a fan of Arjun Kapoor or not, but after seeing this movie I hold up this movie is truly true masterpiece. I agree that the second half was little predictable, but the rest had me at the edge of my seat. The ending is the reason my review is 5-star. I would say this is a movie worth watching. It is so good, one time watchable, but of this good I enjoy this movie and very fantastic movie. साल 2022 में रिलीज हुई एक विलन रिटर्न्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जॉन अब्राहम के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एक विलन रिटर्न्स मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और माइस्ट्री की कैटेगरी की फिल्म, जो कि एक विलन रिटर्न्स मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 10 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 10 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ तो उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.1 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 29 जुलाई 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं एक विलन रिटर्न्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में।
एक विलन इज रिसेंट टाइम्स ऑफ दिस डिसेंट विल मैड फ्रांसिस फिल्म दिस नोट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न अबाउट ईडीजी द स्टोरी हैट ए लॉस्ट ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट वेरी सिक्वेंसी वाज टू गुड आई वुड डेफिनेटली वन इवन अर्जुन परफॉर्मेंस वाज मच बेटर इन दिस फिल्म तारास परफॉर्मेंस वाज रियली नाइस स्पेशल हेयर ऑन वॉइस इन द सॉन्ग्स वेरी टू शूटिंग इन द हेयर दिस परफॉर्मेंस वाज रियली इंप्रेसिव इन दिस वन ऑफ बट दैन मैन हाईलाइट ऑफ दिस मूवी जॉन इज लिटेचर नेडिड इड ओवरऑल इट इज अनएक्सपेक्टेड स्टोरी विल सूरली मैक्स योर क्यूरियस वाउज यंगस्टर दिस फिल्म इज रियली गुड वन फॉर दैम विच एंड गुड थिएटर ए नाइस थ्रिलर एक विलन रिटर्न्स रिव ए सीरियल किलर ऑफ दिस प्रोवाइड दैट मैक्स ऑफ वेपा मूमेन ऑफ दिस साज सिक्वल टू इक्वल ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन मैन ऑफ दिस टू सो इपिन गुड मोहित सूरी नेवर डिस्पॉन्ड्स द स्क्रीन प्ले इज परफेक्ट मैक द मूवी लाइक चेरी ऑन टॉप सरप्राइज अर्जुन रेडिंग ऑफ दिस गुड एंड जॉन री प्रोवाइड येट अगेन स्क्रिप्ट इज गुड सीन्स ऑफ दिस गुड एंड गुड तारा एंड दिशा वार हॉट एंड सेक्सी आल्सो द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स रेस्पेक्ट मोहित सूरी म्यूजिक मैन ऑलवेज फ्रेश एंड टॉप नोट्स अगर ऑफ दिस मूवी डिजास्टर ऑल द अटेंशन ऑफ अप्रोचमेंट एट द बॉक्स ऑफिस इट नोट एंड सेंस एंड थ्रिलर यू कैन टर्न हेड्स कंपल्सरी बैड ऑफ ओवरऑल इज कंप्रोमाइज टू द फर्स्ट मूवी एंड देर वॉज एंड हुज एंड वीम ऑफ द सैड लव स्टोरी एंड दैन गोरी इन गवरोसिंग अटेंशन टूवर्ड्स द बीन वॉयलेंस बैकड्रॉप ऑफ दिस मूवी दिस वॉज ए प्लान इमोशन लेस डिसेंट बट वॉज डिसअपॉइंटिंग एक्ट्रेस ऑफ यूजफुल इज हिमसेल्फ द डिसक्रॉप्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट ऑफ मस्ट वॉच यू आल नॉट रिग्रेट बिकॉज मूवी एक्चुअली गैव सेम एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एक विलन मूवी विन न्यू स्टोरी एंड आल्सो मेंटेन द फेस ऑन ओल्ड मूवी स्टोरी वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड एक्शन सस्पेंस ऑफ दिस ट्रस्ट मी एंड गुड थिंक अबाउट नीड टू सपोर्ट सच मूवी सो दैट बॉलीवुड कैन अंडरस्टैंड द पास्ट से पार्ट सेकेंड शुड बी बेटर दैन पास्ट फर्स्ट वन मूवी मोर मसाला एंड दिस मूवी डिड इट वेल दिस मूवी होल्ड्स माई हार्ट फॉर पार्ट थ्री टू जस्ट टू गो वॉच एंड सपोर्ट विल बेटर कंटेंट इट वॉज गुड मूवी इट कीप्स यू बिजी थ्रू आउट एंड ग्यूसिंग जॉन डिड एन अमेजन जॉब इन एक्शन एंड डायलॉग अर्जुन डेफिनेटली हैव ए कम बैक दिस आर रियली गैव सम हियरलिंग क्यून वाइफ तारा वॉइस वॉज अमेजन एंड बोथ द एक्ट्रेस आर वेरी प्रीती ओवरऑल ए गुड वॉच इज ट्विस्ट ऑफ दिस गुड सच ए गुड मूवी आई डू नॉट न्यू वाई पीपुल हैटिंग दिस मूवी बट फॉर मी आई रियली लव इट जॉन एंड अर्जुन एक्टिंग वॉज माइंड ब्लोइंग स्पेशली जॉन आई होल्ड सक्सेस टू वॉच दिस मूवी एज ए सोन एज पॉसिबल यू कैन वॉच इट वंस डेफिनेटली फॉर अर्जुन कपूर्स एक्टिंग ही ट्रांसफॉर्मेड द आउटकास्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड एक्टिंग बोथ अंकित तिवारी सोम तारा दिशा एज यूजफुल रिपीटिंग देयर रोल्स फ्रॉम द पास्ट मूवी एंड जॉन बाबा सिंस इट बिल्ड्स एंड पीस फॉर मोहित सुतारिया एंड गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट प्रोसेस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी बेस्ट मूवी एंड आई हैव एवरी वॉचेबल द प्लॉट एंड स्टोरी सो वेल डन थ्रू आउट एंड देयर वॉज सो मैनी ट्विस्ट एंड क्लिप्ड Hangers, it was highly entertaining. John Abrams' acting was phenomenal. Would definitely can watch this second time. Would be good. Some sequence will be remain dealt of this movie. I love the performance of John and Disha partnering most, but their comparison of this movie equivalent that of this my favorite movie. Once it should be watchable in theater. It was really full of action thriller movie better than the first of one equivalent. There are so many action scenes, horror scenes and lots of my stream in Didette, John and Arjun really like this awesome. The action scenes between both are very traditional well of this Bollywood and John Abraham did good job. The song Patani was this cold talk about my also looked better this mountain oil movie so supporting makes me forget me dad ever left Galiyan is a equivocal of this good back the fantastic movie or being to end your note for this single and good attention of this good thing about very intelligent I have very
थिंक एंड गुड थिंग सेंटर मैट फाइनली दिस बॉलीवुड मूवी एंड इन ड्रॉप्ड ऑफ मास मूवी फ्रॉम बॉलीवुड डेफिनेटली डिजास्टर टू बी वॉचेबल ओनली परफॉर्मेंस सेकेंड पार्ट इज बेटर एंड बिगर दैन फर्स्ट पार्ट रियली गुड रिफ्रेशिंग एंड वर्थफुल मूवी जॉन अब्राहम नेल्ड इट विथ हिज किलर लुक एंड इंटेंसिटी रोल हु इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस अर्जुन कपूर डिड सो वेल डन इन अ बदमाश लुक नॉट एज गुड द फर्स्ट मूवी बट सेकेंड हाफ वॉज एंजॉय अवेलेबल एंड थ्रिलियर ऑफ दिस गुड इन लव विथ तारा वॉइस सच एन अमेजन मूवी स्पेशली तारा सुतारिया इज सिंगिंग डेब्यू इन दिस मूवी आई एम जस्ट एडिक्शन टू हेयर वॉइस एवरी वन गेव देयर बेस्ट लव इन स्पेशली सॉन्ग सेलेक्शन वॉज अमेजन एंड लव द होल टीम डिड एन अमेजन वर्क आई लव टू सी तारा एंड दिशा इन वन ऑफ दिस मूवी वेंट दिस मूवी एंड मोरी सक्सेसफुल एंड इट वॉज गोइंग ब्लॉकबस्टर हिटिंग एंड वेज वेल डन दिस मूवी ऑफ दिस गुड इट वॉज रियली अमेजन एक्सप्रेशन इट वॉज ए रियली ट्विस्टिंग स्टोरी विथ ग्रेट एलिमेंट्स एज पर एक्टिंग अर्जुन वॉज सुपर दिशा डिड रियली गुड तारा वॉज एक्सीलेंट विथ हेयर इंसेंस एंड इमोशनल साइड एंड जॉन वॉज ओके ओवरऑल द मूवी वॉज अमेजन मोहित सूरी नेवर डिसपॉइंट्स वाई बॉलीवुड कैन ट्रस्ट ऑफ डिसमोल्टमेंट सी स्टोरी वॉज नॉट देयर एंड अर्जुन कपूर एक्टिंग रियली नेल्ड इट इट इज वन ऑफ द फिनिश्ड कमबैक मूवी ऑफ अर्जुन कपूर वन मस्ट वॉच नो मैटर इफ यू आर ए फैन ऑफ अर्जुन कपूर और नॉट बट आफ्टर सीइंग दिस मूवी आई होल्ड ऑफ दिस मूवी इज ट्रूली ट्रू मास्टरपीस एग्री दैट द सेकेंड हाफ वॉज लिटिल प्रेडिटेबल बट द रेस्ट हैड मी एट द ईडीजी ऑफ माई सीट द एंडिंग इज द रीजन माई रिव्यू इज 5 स्टार आई वुल्ड से दिस इज अ मूवी वर्थ वॉचिंग इट इज गो सो गुड वन टाइम वॉचेबल बट ऑफ दिस गुड आई एंजॉय दिस मूवी एंड वेरी फैंटास्टिक मूवी। साल 2022 में रिलीज हुई एक विलन रिटर्न्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जॉन अब्राहम के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एक विलन रिटर्न्स मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और माइस्ट्री की कैटेगरी की फिल्म, जो कि एक विलन रिटर्न्स मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 10 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 10 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ तो उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.1 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 29 जुलाई 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं एक विलन रिटर्न्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एक विलन इज रिसेंट टाइम्स ऑफ दिस डिसेंट विल मैड फ्रांसिस फिल्म दिस नोट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न अबाउट EDG द स्टोरी हैट ए लॉस्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी सिक्वेंसी वॉज टू गुड आई वुल डेफिनेटली वन इवन अर्जुन परफॉर्मेंस वॉज मच बेटर इन दिस फिल्म तारास परफॉर्मेंस वॉज रियली नाइस स्पेशल हेयर ऑन वॉइस इन द सॉन्ग्स वेरी टू शूटिंग इन द हेयर दिशा परफॉर्मेंस वॉज रियली इम्प्रेसिव इन दिस वन ऑफ बट दैन मैन हाईलाइट ऑफ दिस मूवी जॉन इज लिटेजर नेडिड इड ओवरऑल इट इज अनएक्सपेक्टेड स्टोरी विल सूरली मैक्स योर क्यूरियस वाउज यंगस्टर दिस फिल्म इज रियली गुड वन फॉर दैम विच एंड गुड थिएटर ए नाइस थ्रिलर एक विलन रिटर्न्स रिव्यू ए सीरियल किलर ऑफ दिस प्रोवाइड दैट मैक्स ऑफ वेप मूमेन ऑफ दिस सिक्वल टू इक्वल ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन मैन ऑफ दिस टू सो इफ इन गुड मोहित सूरी नेवर डिसपॉइंट्स द स्क्रीन प्ले
इज परफेक्ट मैक द मूवी लाइक चेरी ऑन टॉप सरप्राइज अर्जुन रेडिंग ऑफ दिस गुड एंड जॉन री प्रोवाइड येट अगेन स्क्रिप्ट इज गुड सीन्स ऑफ दिस गुड एंड गुड तारा एंड दिशा वार हॉट एंड सेक्सी आल्सो द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स रेस्पेक्ट मोहित सूरी म्यूजिक मैन ऑलवेज फ्रेश एंड टॉप नोट्स अगर ऑफ दिस मूवी डिजास्टर ऑल द अटेंशन ऑफ अप्रोचमेंट एट द बॉक्स ऑफिस इट नोट एंड सेंस एंड थ्रिलर यू कैन टर्न हेड्स कंपल्सरी बैड ऑफ ओवरऑल इज कंप्रोमाइज टू द फर्स्ट मूवी एंड देयर वाज एंड ह्यूज एंड वीम ऑफ द सैड लव स्टोरी एंड देन गोरी इन गवरोसिंग अटेंशन टूवर्ड्स द बीन वॉयलेंस बैकड्रॉप ऑफ दिस मूवी दिस वाज ए प्लान इमोशनल लेस डिसेंट बट वाज डिसअपॉइंटिंग एक्ट्रेस ऑफ यूजफुल इज हिमसेल्फ द डिस्क्रिप्ट ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट वेरी इंटेलिजेंट ऑफ मस्ट वॉच यू आल नॉट रिग्रेट बिकॉज मूवी एक्चुअली गैव सेम एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एक विलन मूवी विन न्यू स्टोरी एंड आल्सो मेंटेन द फेस ऑन ओल्ड मूवी स्टोरी वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड एक्शन सस्पेंस ऑफ दिस ट्रस्ट मी एंड गुड थिंक अबाउट नीड टू सपोर्ट सच मूवी सो दैट बॉलीवुड कैन अंडरस्टैंड द पास्ट से पार्ट सेकेंड शुड बी बेटर दैन पास्ट फर्स्ट वन मूवी मोर मसाला एंड दिस मूवी डिड इट वेल दिस मूवी होल्ड्स माई हार्ट फॉर पार्ट थ्री टू जस्ट टू गो वॉच एंड सपोर्ट विल बेटर कंटेंट इट वॉज गुड मूवी इट कीप्स यू बिजी थ्रू आउट एंड ग्यूसिंग जॉन डिड एन अमेजन जॉब इन एक्शन एंड डायलॉग अर्जुन डेफिनेटली हैव ए कम बैक दिस आर रियली गैव सम हियरलिंग क्यून वाइफ तारा वॉइस वॉज अमेजन एंड बोथ द एक्ट्रेस आर वेरी प्रीती ओवरऑल ए गुड वॉच इज ट्विस्ट ऑफ दिस गुड सच ए गुड मूवी आई डू नॉट न्यू वाई पीपुल हैटिंग दिस मूवी बट फॉर मी आई रियली लव इट जॉन एंड अर्जुन एक्टिंग वॉज माइंड ब्लोइंग स्पेशली जॉन आई होल्ड ए सक्सेस टू वॉच दिस मूवी एज ए सोन एज पॉसिबल यू कैन वॉच इट वंस डेफिनेटली फॉर अर्जुन कपूर्स एक्टिंग ही ट्रांसफॉर्मेड द आउटकास्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड एक्टिंग बोथ अंकित तिवारी सोम सतारा दिशा एज यूजफुल रिपीटिंग देयर रोल्स फ्रॉम द पास्ट मूवी एंड जॉन बाबा सिंस इट बिल्ड्स एंड पीस फॉर मोहित सुतारिया एंड गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट प्रोसेस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी बेस्ट मूवी एंड आई हैव एवरी वॉचेबल द प्लॉट एंड स्टोरी सो वेल डन थ्रू आउट एंड देयर वॉज सो मैनी ट्विस्ट एंड क्लिप्ड Hangers, it was highly entertaining. John Abrams' acting was phenomenal. Would definitely can watch this second time. Would be good. Some sequences will be remain dealt of this movie. I love the performance of John and Disha partnering most, but their comparison of this movie equivalent that of this my favorite movie. Once it should be watchable in theater. It was really full of action thriller movie better than the first of one equivalent. There are so many action. Scenes, horror scenes, and lots of my stream in that zone and Arjun really like this awesome. The action scenes between both are very traditional. Well, of this Bollywood and John Abraham did good job. The song Patani was this cold talk about my also looked better. This mountain oil movie so supporting makes me forget me dad ever left. Galiyan is a equivocal of this good bag. The fantastic movie or being to end your note for this single and good attention of this good thing about very intelligent I have very think and good thing center met finally this Bollywood movie and in dropped of mass movie from Bollywood definitely disaster to be watchable only performance second part is better and bigger than first part really good refreshing and worthful movie John Abraham nailed it with his killer look and intensity role who is the driving force of this Arjun Kapoor did so well done in a badmass look not as good the first movie but second half was enjoyable and thriller of this good in love with Tara voice such an amazing movie especially Tara Sutaria is singing debut in this movie I am just addiction to her voice everyone gave their best love in especially song selection was amazing and love the whole team did an amazing work I love to see Tara and Disha in one of this movie went this movie and more successful and it was going blockbuster hitting and as well done this movie of this good it was really amazing
एक्सप्रेशन इट वॉज ए रियली ट्विस्ट स्टोरी विथ ग्रेट एलिमेंट्स एज पर एक्टिंग अर्जुन वॉज सुपर दिशा डिड रियली गुड तारा वॉज एक्सीलेंट विथ हेयर इंसेंस एंड इमोशनल साइड एंड जॉन वॉज ओके ओवरऑल द मूवी वॉज अमेजन मोहित सूरी नेवर डिसअपॉइंट्स वाई बॉलीवुड कैन ट्रस्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट सी स्टोरी वॉज नॉट देयर एंड अर्जुन कपूर एक्टिंग रियली नेल्ड इट इट इज वन ऑफ द फिनिश्ड कमबैक मूवी ऑफ अर्जुन कपूर वन मस्ट वॉच नो मैटर इफ यू आर ए फैन ऑफ अर्जुन कपूर और नॉट बट आफ्टर सीइंग दिस मूवी आई होल्ड ऑफ दिस मूवी इज ट्रूली ट्रू मास्टर पीस एग्री दैट द सेकेंड हाल्फ वॉज लिटिल प्रेडिटेबल बट द रेस्ट हैड मी एट द EDG ऑफ माई सीट द एंडिंग इज द रीजन माई रिव्यू इज 5 star आई वुल्ड से दिस इज अ मूवी वर्थ वॉचिंग इट इज गो सो गुड वन टाइम वॉचेबल बट ऑफ दिस गुड आई एंजॉय दिस मूवी एंड वेरी फैंटास्टिक मूवी। साल 2022 में रिलीज हुई एक विलन रिटर्न्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जॉन अब्राहम के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एक विलन रिटर्न्स मूवी था जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और माइस्टर की कैटेगरी की फिल्म जो कि एक विलन रिटर्न्स मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 10 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 10 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ तो उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो Google यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.1 है और इस मूवी की रिलीज डेट 29 जुलाई 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं एक विलन रिटर्न्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एक विलन इज रिसेंट टाइम्स ऑफ दिस डिसेंट विल मैड फ्रांसिस फिल्म दिस नॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न अबाउट EDG द स्टोरी हैट ए लॉस्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी सिक्वेंसी वाज टू गुड आई वुल डेफिनेटली वन इवन अर्जुन परफॉर्मेंस वाज मच बेटर इन दिस फिल्म तारास परफॉर्मेंस वाज रियली नाइस स्पेशल हेयर ऑन वॉइस इन द सॉन्ग्स वेरी टू शूटिंग इन द हेयर दिशा परफॉर्मेंस वाज रियली इंप्रेसिव इन दिस वन ऑफ बट दैन मैन हाईलाइट ऑफ दिस मूवी जॉन इज लिटेचर नेडेड इड ओवरऑल इट इज अनएक्सपेक्टेड स्टोरी विल सूरली मैक्स योर क्यूरियस वाउज यंगस्टर दिस फिल्म इज रियली गुड वन फॉर दैम विच एंड गुड थिएटर ए नाइस थ्रिलर एक विलन रिटर्न्स रिव ए सीरियल किलर ऑफ दिस प्रोवाइड दैट मैक्स ऑफ वेपा मूमेन ऑफ दिस साज सिक्वल टू इक्वल ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन मैन ऑफ दिस टू सो इपिन गुड मोहित सूरी नेवर डिसअपॉइंट्स द स्क्रीन प्ले इज परफेक्ट मैक द मूवी लाइक चेरी ऑन टॉप सरप्राइज अर्जुन रेडिंग ऑफ दिस गुड एंड जॉन री प्रोवाइड येट अगेन स्क्रिप्ट इज गुड सीन्स ऑफ दिस गुड एंड गुड तारा एंड दिशा वार हॉट एंड सेक्सी आल्सो द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स रेस्पेक्ट मोहित सूरी म्यूजिक मैन ऑलवेज फ्रेश एंड टॉप नोट्स अगर ऑफ दिस मूवी डिजास्टर ऑल द अटेंशन ऑफ अप्रोचमेंट एट द बॉक्स ऑफिस इट नॉट एंड सेंसन एंड थ्रिलर यू कैन टर्न हेड्स कंपल्सरी बैड ऑफ ओवरऑल इज कंप्रोमाइज टू द फर्स्ट मूवी एंड देर वॉज एंड ह्यूज एंड वीम ऑफ द सैड लव स्टोरी एंड दैन गोरी इन गवरोसिंग अटेंशन टूवर्ड्स द बीन वोयलेंस बैकड्रॉप ऑफ दिस मूवी दिस वॉज ए प्लान इमोशन लेस डिसेंट बट वॉज डिसअपॉइंटिंग एक्ट्रेस ऑफ यूजफुल इज हिमसेल्फ द डिस्क्रिप्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट ऑफ मस्ट वॉच यू आल नॉट रिग्रेट बिकॉज मूवी
एक्चुअली गैव सैम एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट टपार्ट एक विलन मूवी द्वीन न्यू स्टोरी एंड आल्सो मेंटेन द फेस वन ओल्ड मूवी स्टोरी वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड एक्शन सस्पेंस ऑफ दिस गुड ऑफ दिस ट्रस्ट मी एंड गुड थिंक अबाउट नीड टू सपोर्ट सच मूवी सो दैट बॉलीवुड कैन अंडरस्टैंड द पास्ट से पार्ट सेकेंड शुड बी बेटर दैन पास्ट फर्स्ट वन मूवी मोर मसाला एंड दिस मूवी डिड इट वेल दिस मूवी होल्ड्स माई हार्ट फॉर पार्ट थ्री टू जस्ट टू गो वॉच एंड सपोर्ट विल बेटर कंटेंट इट वॉज गुड मूवी इट कीप्स यू बिजी थ्रू आउट एंड ग्यूसिंग जोन डिड एन अमेजन जॉब इन एक्शन एंड डायलॉग अर्जुन डेफिनेटली हैव ए कम बैक दिस आर रियली गैव सम हियरली क्यून वाइब्स तारा वॉइस वॉज अमेजन एंड बोथ द एक्ट्रेस आर वेरी प्रीति ओवरऑल ए गुड वॉच इज ट्विस्ट ऑफ दिस गुड सच ए गुड मूवी आई डू नॉट न्यू वाई पीपुल हैटिंग दिस मूवी बट फॉर मी आई रियली लव इट जॉन एंड अर्जुन एक्टिंग वॉज माइंड ब्लोइंग स्पेशली जॉन आई होल्ड सक्सेस टू वॉच दिस मूवी एज ए सोन एज पॉसिबल यू कैन वॉच इट वंस डेफिनेटली फॉर अर्जुन कपूर्स एक्टिंग ही ट्रांसफॉर्मेड द आउटकास्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड एक्टिंग बोथ अंकित तिवारी सोम सतारा दिशा एज यूजफुल रिपीटिंग देयर रोल्स फ्रॉम द पास्ट मूवी एंड जॉन बाबा सिंस इट बिल्ड्स एंड पीस फॉर मोहित सुतारिया एंड गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट प्रोसेस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी बेस्ट मूवी एंड आई हैव एवरी वॉचेबल द प्लॉट एंड स्टोरी सो वेल डन थ्रू आउट एंड देयर वॉज सो मैनी ट्विस्ट एंड क्लिप्ड Hangers, it was highly entertaining. John Abrams' acting was phenomenal. Would definitely can watch this second time. Would be good. Some sequence will be remain dealt of this movie. I love the performance of John and Disha Patani most, but their comparison of this movie equivalent that of this my favorite movie. Once it should be watchable in theater. It was really full of action thriller movie better than the first of one equivalent. There are so many action. Scenes, horror scenes and lots of my stream in that zone and Arjun really like this awesome the action scenes between both are very traditional well of this Bollywood and John Abraham did good job the song Patani what this could talk about my also looked better this mountain oil movie so supporting makes me forget me dad ever left Galiya is a equivocal of this good back the fantastic movie or being to end your note for the single and good attempt Mention of this good thing about very intelligent I have very think and good thing center met finally this Bollywood movie and in dropped of mass movie from Bollywood definitely disaster to be watchable only performance second part is better and bigger than first part really good refreshing and worthful movie John Abraham nailed it with his killer look and intensity role who was the driving force of this Arjun Kapoor did so well done in a badmass look not as good the first movie but second half was enjoying available and thriller of this good in love with Tara voice such an amazing movie especially Tara Sutaria is singing debut in this movie I am just addiction to her voice everyone gave their best love in especially song selection was amazing and love the whole team did an amazing work I love to see Tara and Disha in one of this movie went this movie and more successful and it was going blockbuster hitting and as well done this movie of this good it was really amazing expression it was a really twisting story with great elements as per acting Arjun was super Disha did really good Tara was excellent with her insane and emotional side and John was okay overall the movie was amazing Mohit Suri never disappoints why Bollywood can trust of disappointment see story was not there and Arjun Kapoor acting really nailed it it is one of the finished comeback movie of Arjun Kapoor one must watch no matter if you are a fan of Arjun Kapoor or not but after seeing this movie I hold up this movie is truly true masterpiece I agree that the second half was little predictable but the rest had me at the edg of my seat the ending is the reason my review is 5 star I would say this is a movie worth watching it is go so good one time watchable but hope this good I enjoy this movie and very fantastic movie
साल 2022 में रिलीज हुई एक विलन रिटर्न्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जॉन अब्राहम के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एक विलन रिटर्न्स मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और मास्टर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि एक विलन रिटर्न्स मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 10 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 10 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ तो उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.1 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 29 जुलाई 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं एक विलन रिटर्न्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एक विलन इज रिसेंट टाइम्स ऑफ दिस डिसेंट विल मैड फ्रांसिस फिल्म दिस नोट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न अबाउट EDG द स्टोरी हैट ए लॉस्ट ऑफ दिस गुड थिंग अबाउट वेरी सिक्वेंसी वाज टू गुड आई वुल डेफिनेटली वन इवन अर्जुन परफॉर्मेंस वाज मच बेटर इन दिस फिल्म तारास परफॉर्मेंस वाज रियली नाइस स्पेशल हेयर ऑन वॉइस इन द सॉन्ग्स वेरी टू शूटिंग इन द हेयर दिशा परफॉर्मेंस वाज रियली इंप्रेसिव इन दिस वन ऑफ बट दैन मैन हाईलाइट ऑफ दिस मूवी जॉन इज लिटेचर नेडेड इड ओवरऑल इट इज अनएक्सपेक्टेड स्टोरी विल सूरली मैक्स योर क्यूरियस वाउज यंगस्टर दिस फिल्म इज रियली गुड वन फॉर दैम विच एंड गुड थिएटर ए नाइस थ्रिलर एक विलन रिटर्न्स रिव ए सीरियल किलर ऑफ दिस प्रोवाइड दैट मैक्स ऑफ वेपा मूमेन ऑफ दिस साज सिक्वल टू इक्वल ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन मैन ऑफ दिस टू सो इपिन गुड मोहित सूरी नेवर डिस्पॉन्ड्स द स्क्रीन प्ले इज परफेक्ट मैक द मूवी लाइक चेरी ऑन टॉप सरप्राइज अर्जुन रेडिंग ऑफ दिस गुड एंड जॉन री प्रोवाइड येट अगेन स्क्रिप्ट इज गुड सीन्स ऑफ दिस गुड एंड गुड तारा एंड दिशा वार हॉट एंड सेक्सी आल्सो द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स रेस्पेक्ट मोहित सूरी म्यूजिक मैन ऑलवेज फ्रेश एंड टॉप नोट्स अगर ऑफ दिस मूवी डिजास्टर ऑल द अटेंशन ऑफ अप्रोचमेंट एट द बॉक्स ऑफिस इट नोट एंड सेंसन एंड थ्रिलर यू कैन टर्न हेड्स कंपल्सरी बैड ऑफ ओवरऑल इज कंप्रोमाइज टू द फर्स्ट मूवी एंड देर वाज एंड ह्यूज एंड वीम ऑफ द सैड लव स्टोरी एंड देन गोरी इन गवरोसिंग अटेंशन टूवर्ड्स द बीन वॉयलेंस बैकड्रॉप ऑफ दिस मूवी दिस वाज ए प्लान इमोशन लेस डिसेंट बट वाज डिसअपॉइंटिंग एक्ट्रेस ऑफ यूजफुल इज हिमसेल्फ द डिस्क्रिप्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट ऑफ मस्ट वाच यू आल नॉट रिग्रेट बी कोज मूवी एक्चुअली गैव सेम एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एक विलन मूवी विन न्यू स्टोरी एंड आल्सो मेंटेन द फेस वन ओल्ड मूवी स्टोरी वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड एक्शन सस्पेंस ऑफ दिस गुड ऑफ दिस ट्रस्ट मी एंड गुड थिंक अबाउट नीड टू सपोर्ट सच मूवी सो दैट बॉलीवुड कैन अंडरस्टैंड द पास्ट से पार्ट सेकेंड शुड बी बेटर दैन पास्ट फर्स्ट वन मूवी मोर मसाला एंड दिस मूवी डिड इट वेल दिस मूवी होल्ड्स माई Heart for part 3 to just to go watch and support will better content it was good movie it keeps you busy throughout and guessing John did an amazing job in action and dialogue Arjun definitely have a comeback this really gave some hearing Kyun wife's Tara voice was amazing and both the actress are very pretty overall a good watch is the twist of this good such a good movie I do not know why people hating this movie but for me I really love it
जॉन एंड अर्जुन एक्टिंग वॉज माइंड ब्लोइंग स्पेशली जॉन आई होल्ड सक्सेस टू वॉच दिस मूवी एज ए सोन एज पॉसिबल यू कैन वॉच इट वंस डेफिनेटली फॉर अर्जुन कपूर्स एक्टिंग ही ट्रांसफॉर्मेड द आउटकास्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड एक्टिंग बोथ अंकित तिवारी सोम तारा दिशा एज यूजफुल रिपीटिंग देयर रोल्स फ्रॉम द पास्ट मूवी एंड जॉन बाबा सिंस इट बिल्ड्स एंड पीस फॉर मोहित सुतारिया एंड गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट प्रोसेस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी बेस्ट मूवी एंड आई हैव एवरी वॉचेबल द प्लॉट एंड स्टोरी सो वेल डन थ्रू आउट एंड देयर वॉज सो मैनी ट्विस्ट एंड क्लिफ्ट हैंगर्स इट वॉज हाईली एंटरटेनिंग जॉन अब्राहम्स एक्टिंग वॉज फिनोमिनल वुड डेफिनेटली कैन वॉच दिस सेकंड टाइम वुड बी गुड सम सिक्वेंसी विल बी रिमेन दैट ऑफ दिस मूवी आई लव द परफॉर्मेंस ऑफ जॉन एंड दिशा पार्टनी मोस्ट बट देयर कंपेरिजन ऑफ दिस मूवी इक विलन दैट ऑफ दिस माई फेवरेट मूवी वंस इट शुड बी वॉचेबल इन थिएटर इट वॉज रियली फुल ऑफ एक्शन थ्रिलियर मूवी बैटर दैन द फर्स्ट ऑफ वन इक विलन देयर आर सो मैनी एक्शन सीन्स हॉरर सीन्स एंड लॉर्ड्स ऑफ माई स्ट्रीम इन डिडेट जॉन एंड अर्जुन रियली लाइक दिस अवेसम द एक्शन सीन्स बिटवीन बोथ आर वेरी ट्रेडनेशनल वेल ऑफ दिस बॉलीवुड एंड जॉन अब्राहम डिड गुड जॉब दिस पटनी वॉट दिस कुल्ड टॉक अबाउट माई आल्सो लुकड बैटर दिस माउंटेन ऑयल मूवी सो सपारिंग मैक्स मी फॉर गेट मी डैड एवर लेफ्ट गलियां इसे एक विनिकल ऑफ दिस गुड बैक द फैंटेस्टी मूवी और बींग टू एंड योर नोट फॉर दिस सिंगल एंड गुड attention of this good thing about very intelligent I have very think and good thing center met finally this Bollywood movie and in dropped of mass movie from Bollywood definitely disaster to be watchable only performance second part is better and bigger than first part really good refreshing and worthful movie John Abraham nailed it with his killer look and intensity role who is the driving force of this Arjun Kapoor did so well done in a badmass look not as good the first movie but second half was enjoying available and thriller of this good in love with Tara voice such an amazing movie especially Tara Sutaria is singing debut in this movie I am just addiction to her voice everyone gave their best love in especially song selection was amazing and love the whole team did an amazing work I love to see Tara and Disha in one of this movie went this movie and more successful and it was going blockbuster hitting and as well done this movie of this good it was really amazing expression it was a really twisting story with great elements as per acting arjun was super disha did really good tara was excellent with her insane and emotional side and john was okay overall the movie was amazing mohit suri never disappoints why bollywood can trust of disappointment see story was not there and arjun kapoor acting really nailed it it is one of the finished comeback movie of arjun kapoor one must watch no matter if you are a fan of Arjun Kapoor or not but after seeing this movie I hold up this movie is truly true masterpiece I agree that the second half was little predictable but the rest had me at the edge of my seat the ending is the reason my review is 5 star I would say this is a movie worth watching it is go so good one time watchable but up this good I enjoy this movie and very fantastic movie साल 2022 में रिलीज हुई एक विलन रिटर्न्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जॉन अब्राहम के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एक विलन रिटर्न्स मूवी था, जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और माइस्ट्री की कैटेगरी की फिल्म, जो कि एक विलन रिटर्न्स मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 10 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 10 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ़ तो उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को
यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.1 है। और इस मूवी की रिलीज डेट 29 जुलाई 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। और इस मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं एक विलन रिटर्न्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एक विलन इज रिसेंट टाइम्स ऑफ दिस डिसेंट विल मैड फ्रांसिस फिल्म दिस नोट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न अबाउट EDG द स्टोरी हैट ए लॉस्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी सिक्वेंसी वाज टू गुड आई वुड डेफिनेटली वन इवन अर्जुन परफॉर्मेंस वाज मच बेटर इन दिस फिल्म तारास परफॉर्मेंस वाज रियली नाइस स्पेशल हेयर ऑन वॉइस इन द सॉन्ग्स वेरी टू शूटिंग इन द हेयर दिशा परफॉर्मेंस वाज रियली इंप्रेसिव इन दिस वन ऑफ बट दैन मैन हाईलाइट ऑफ दिस मूवी जोन इज लिटेचर नेडिड इड ओवरऑल इट इज अनएक्सपेक्टेड स्टोरी विल सूरली मैक्स योर क्यूरियस वाउज यंगस्टर दिस फिल्म इज रियली गुड वन फॉर दैम विच एंड गुड थिएटर ए नाइस थ्रिलर एक विलन रिटर्न्स रिव्यू ए सीरियल किलर ऑफ दिस प्रोवाइड दैट मैक्स ऑफ वेपा मूमेन ऑफ दिस साज सिक्वल टू इक्वल ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन मैन ऑफ दिस टू सो इफ इन गुड मोहित सूरी नेवर डिसपॉइंट्स द स्क्रीन प्ले इज परफेक्ट मैक द मूवी लाइक चेरी ऑन टॉप सरप्राइज अर्जुन रेडिंग ऑफ दिस गुड एंड जॉन री प्रोवाइड येट अगेन स्क्रिप्ट इज गुड सीन्स ऑफ दिस गुड एंड गुड तारा एंड दिशा वार हॉट एंड सेक्सी आल्सो द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स रेस्पेक्ट मोहित सूरी म्यूजिक मैन ऑलवेज फ्रेश एंड टॉप नोट्स अगर ऑफ दिस मूवी डिजास्टर ऑल द अटेंशन ऑफ अप्रोचमेंट एट द बॉक्स ऑफिस इट नोट एंड सेंस एंड थ्रिलर यू कैन टर्न हेड्स कंपल्सरी बैड ऑफ ओवरऑल इज कंप्रोमाइज टू द फर्स्ट मूवी एंड देर वॉज एंड ह्यूज एंड वीम ऑफ द सैड लव स्टोरी एंड दैन गोरी इन गवरोसिंग अटेंशन टूवर्ड्स द बीन वोयलेंस बैकड्रॉप ऑफ दिस मूवी दिस वॉज ए प्लान इमोशन लेस डिसेंट बट वॉज डिसपॉइंटिंग एक्ट्रेस ऑफ यूजफुल इज हिमसेल्फ द डिसक्रॉप्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट ऑफ मस्ट वॉच यू आल नॉट रिग्रेट बिकॉज मूवी एक्चुअली गैव सेम एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एक विलन मूवी विन न्यू स्टोरी एंड आल्सो मेंटेन द फेस ऑन ओल्ड मूवी स्टोरी वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड एक्शन सस्पेंस ऑफ दिस गुड ऑफ दिस ट्रस्ट मी एंड गुड थिंक अबाउट नीड टू सपोर्ट सच मूवी सो दैट बॉलीवुड कैन अंडरस्टैंड द पास्ट से पार्ट सेकेंड शुड बी बेटर दैन पास्ट फर्स्ट वन मूवी मोर मसाला एंड दिस मूवी डिड इट वेल दिस मूवी होल्ड्स माई हार्ट Fourth part 3 to just to go watch and support will better content it was good movie it keeps you busy throughout and guessing John did an amazing job in action and dialogue Arjun definitely have a comeback this really gave some hearing Kyun wife Tara voice was amazing and both the actress are very pretty overall a good watch is the twist of this good such a good movie I do not know why people hating this movie but for me I really love it John and Arjun acting was mind blowing especially John I hold a success to watch this movie as a soon as possible you can watch it once definitely for Arjun Kapoor's acting he transformed the outcast himself from the rest in terms of looks and acting both Ankit Tiwari Som Tara Disha as usual repeating their roles from the past movie and John Baba since it builds and peace for Mohit Sutaria and good think about throughout process and good think about very best movie and I have every watchable the plot and story so well done throughout and there was so many twists and clifton hangers it was highly entertaining John Abrams acting was phenomenal would definitely can watch this second time would be good some sequence will be remain dealt of this movie I love the performance of John and Disha partnering most but their comparison of this movie ek villain that of this my favorite movie once it should be watchable in theater it was really full of action thriller movie better than the first of one ek villain there are so many action
एक्शन सीन्स हॉरर सीन्स एंड लॉर्ड्स ऑफ माई स्ट्रीम इन डिडेट जोन एंड अर्जुन रियली लाइक दिस अवेसम द एक्शन सीन्स बिटवीन बोथ आर वेरी ट्रेडनेशनल वेल ऑफ दिस बॉलीवुड एंड जॉन अब्राम डिड गुड जॉब दिस सॉन्ग पटनी वो दिस कुल्ड टॉक अबाउट माई आल्सो लुक्ड बेटर दिस माउंटेन ऑयल मूवी सो सपरिंग मैक्स मी फॉर गेट मी डैड एवर लेफ्ट गलियां इसे एक विकल ऑफ दिस गुड बैक द फैंटेस्टिक मूवी और बींग टू एंड योर नोट फॉर दिस सिंगल एंड गुड अटेंशन ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आई हैव वेरी थिंक एंड गुड थिंग सेंटर मैट फाइनली दिस बॉलीवुड मूवी एंड इन ड्रॉप्ड ऑफ मास मूवी फ्रॉम बॉलीवुड डेफिनेटली डिजास्टर टू बी वॉचेबल ओनली परफॉर्मेंस सेकेंड पार्ट इज बेटर एंड बिगर दैन फर्स्ट पार्ट रियली गुड रिफ्रेशिंग एंड वर्थफुल मूवी जॉन अब्राम नेल्ड इट विथ हिज किलर लुक एंड इंटेंसिटी रोल हु इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस अर्जुन कपूर डिड सो वेल डन इन अ बदमाश लुक नॉट एज गुड द फर्स्ट मूवी बट सेकेंड हाफ वॉज एंजॉय अवेलेबल एंड थ्रिलियर ऑफ दिस गुड इन लव विथ तारा वॉइस सच एन अमेजन मूवी स्पेशली तारा सुतारिया इज सिंगिंग डेब्यू इन दिस मूवी आई एम जस्ट एडिक्शन टू हेयर वॉइस एवरी वन गेव देयर बेस्ट लव इन स्पेशली सॉन्ग सेलेक्शन वॉज अमेजन एंड लव द होल टीम डिड एन अमेजन वर्क आई लव टू सी तारा एंड दिशा इन वन ऑफ दिस मूवी वेंट दिस मूवी एंड मोरी सक्सेसफुल एंड इट वॉज गोइंग ब्लॉकबस्टर हिटिंग एंड वेज वेल डन दिस मूवी ऑफ दिस गुड इट वॉज रियली अमेजन एक्सप्रेशन इट वॉज ए रियली ट्विस्टिंग स्टोरी विथ ग्रेट एलिमेंट्स एज पर एक्टिंग अर्जुन वॉज सुपर दिशा डिड रियली गुड तारा वॉज एक्सीलेंट विथ हेयर इंसेंस एंड इमोशनल साइड एंड जॉन वॉज ओके ओवरऑल द मूवी वॉज अमेजन मोहित सूरी नेवर डिसपॉइंट्स वाई बॉलीवुड कैन ट्रस्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट सी स्टोरी वॉज नॉट देयर एंड अर्जुन कपूर एक्टिंग रियली नेल्ड इट इट इज वन ऑफ द फिनिश्ड कमबैक मूवी ऑफ अर्जुन कपूर वन मस्ट वॉच नो मैटर इफ यू आर ए फैन ऑफ अर्जुन कपूर और नॉट बट आफ्टर सीइंग दिस मूवी आई होल्ड ऑफ दिस मूवी इज ट्रूली ट्रू मास्टरपीस एग्री दैट द सेकेंड हाल्प वॉज लिटिल प्रेडिटेबल बट द रेस्ट हैड मी एट द ईडीजी ऑफ माई सीट द एंडिंग इज द रीजन माई रिव्यू इज 5 स्टार आई वुल्ड से दिस इज अ मूवी वर्थ वॉचिंग इट इज गो सो गुड वन टाइम वॉचेबल बट ऑफ दिस गुड आई एंजॉय दिस मूवी एंड वेरी फैंटास्टिक मूवी। साल 2022 में रिलीज हुई एक विलन रिटर्न्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जॉन अब्राम के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एक विलन रिटर्न्स मूवी था जो साल 2022 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और माई स्ट्री की कैटेगरी की फिल्म जो कि एक विलन रिटर्न्स मूवी जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाइए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 10 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 10 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2022 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। Google यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया तो Google यूजर्स ने 73% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 6.1 है और इस मूवी की रिलीज डेट 29 जुलाई 2022 को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर मोहित सूरी थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं एक विलन रिटर्न्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एक विलन इज रिसेंट टाइम्स ऑफ दिस डिसेंट विल मैड फ्रांसिस फिल्म दिस नोट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न अबाउट ईडीजी द स्टोरी हैट ए लॉस्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी सिक्वेंसी वाज टू गुड आई वुल डेफिनेटली वन इवन अर्जुन परफॉर्मेंस वाज मच बेटर इन दिस फिल्म तारास परफॉर्मेंस वाज रियली नाइस स्पेशल हेयर ऑन वॉइस इन द सॉन्ग्स वेरी टू शूटिंग इन द हेयर दिसा परफॉर्मेंस वाज रियली इम्प्रेसिव इन दिस वन ऑफ बट दैन मैन हाईलाइट ऑफ
दिस मूवी जोन इज लिटरेचर नेडेड इड ओवरऑल इट इज अनएक्सपेक्टेड स्टोरी विल सूरली मैक्स योर क्यूरियस वाउज यंगस्टर दिस फिल्म इज रियली गुड वन फॉर दैम विच एंड गुड थिएटर ए नाइस थ्रिलर इक विलन रिटर्न्स रियू ए सीरियल किलर ऑफ दिस प्रोवाइड दैट मैक्स ऑफ वेपा मूमेन ऑफ दिस साज सिक्वल टू इक्वल ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन मैन ऑफ दिस टू सो इपिन गुड मोहित सूरी नेवर डिस्पॉन्ट्स द स्क्रीन प्ले इज परफेक्ट मैक द मूवी लाइक चेरी ऑन टॉप सरप्राइज अर्जुन रेडिंग ऑफ दिस गुड एंड जॉन री प्रोवाइड येट अगेन स्क्रिप्ट इज गुड सीन्स ऑफ दिस गुड एंड गुड तारा एंड दिशा वार हॉट एंड सेक्सी आल्सो द प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स रेस्पेक्ट मोहित सूरी म्यूजिक मैन ऑलवेज फ्रेश एंड टॉप नोट्स अगर ऑफ दिस मूवी डिजास्टर ऑल द अटेंशन ऑफ अप्रोचमेंट एट द बॉक्स ऑफिस इट नोट एंड सेंसन एंड थ्रिलर यू कैन टर्न हेड्स कंपल्सरी बैड ऑफ ओवरऑल इज कंप्रोमाइज टू द फर्स्ट मूवी एंड देयर वॉज एंड ह्यूज एंड वीम ऑफ द सैड लव स्टोरी एंड दैन गोरी इन गवरोसिंग अटेंशन टूवर्ड्स द बीन वोयलेंस बैकड्रॉप ऑफ दिस मूवी दिस वॉज ए प्लान इमोशनलेस डिसेंट बट वॉज डिस्पॉन्टिंग एक्ट्रेस ऑफ यूजफुल इज हिमसेल्फ द डिस्क्रिप्ट ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी इंटेलिजेंट ऑफ मस्ट वॉच यू आल नॉट रिग्रेट बिकॉज मूवी एक्चुअली गैव सेम एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एक विलन मूवी विन न्यू स्टोरी एंड आल्सो मेंटेन द फेस ऑन ओल्ड मूवी स्टोरी वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड एक्शन सस्पेंस ऑफ दिस गुड ऑफ दिस ट्रस्ट मी एंड गुड थिंक अबाउट नीड टू सपोर्ट सच मूवी सो दैट बॉलीवुड कैन अंडरस्टैंड द पास्ट से पार्ट सेकेंड शुड बी बेटर दैन पास्ट फर्स्ट वन मूवी मोर मसाला एंड दिस मूवी डिड इट वेल दिस मूवी होल्ड्स माई हार्ट फॉर पार्ट थ्री टू जस्ट टू गो वॉच एंड सपोर्ट विल बेटर कंटेंट इट वॉज गुड मूवी इट कीप्स यू बिजी थ्रू आउट एंड ग्यूसिंग जोन डिड एन अमेजन जॉब इन एक्शन एंड डायलॉग अर्जुन डेफिनेटली हैव ए कम बैक दिस आर रियली गैव सम हियरलिंग क्यून वाइब्स तारा वॉइस वॉज अमेजन एंड बोथ द एक्ट्रेस आर वेरी प्रीति ओवरऑल ए गुड वॉच इज ट्विस्ट ऑफ दिस गुड सच ए गुड मूवी आई डो नॉट न्यू वाई पीपुल हैटिंग दिस मूवी बट फॉर मी आई रियली लव इट जॉन एंड अर्जुन एक्टिंग वॉज माइंड ब्लोइंग स्पेशली जॉन आई होल्ड ए सक्सेस टू वॉच दिस मूवी एज ए सोन एज पॉसिबल यू कैन वॉच इट वंस डेफिनेटली फॉर अर्जुन कपूर्स एक्टिंग ही ट्रांसफॉर्मेड द आउटकास्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड एक्टिंग बोथ अंकित तिवारी सोम सतारा दिशा एज यूजफुल रिपीटिंग देयर रोल्स फ्रॉम द पास्ट मूवी एंड जॉन बाबा सिंस इट बिड्स एंड पीस फॉर मोहित सुतारिया एंड गुड थिंक अबाउट थ्रू आउट प्रोसेस एंड गुड थिंक अबाउट वेरी बेस्ट मूवी एंड आई हैव एवरी वॉचेबल द प्लॉट एंड स्टोरी सो वेल डन थ्रू आउट एंड देयर वॉज सो मैनी ट्विस्ट एंड क्लिफ्ट Hangers, it was highly entertaining. John Abraham's acting was phenomenal. Would definitely can watch this second time. Would be good. Some sequence will be remained dealt of this movie. I love the performance of John and Disha Patani most, but their comparison of this movie equivalent that of this my favorite movie. Once it should be watchable in theater. It was really full of action thriller movie better than the first of one equivalent. There are so many action scenes, horror scenes and lords of my stream in that zone and Arjun really like this awesome the action scenes between both are very traditional well of this Bollywood and John Abraham did good job this song Patani what this could talk about my also looked better this mountain oil movie so suffering makes me forget me dad ever left galiya is a equivocal of this good back the fantastic movie or being to end your note for this single and good attempt Mention of this good thing about very intelligent I have very think and good thing center mat finally this Bollywood movie and in dropped of mass movie from Bollywood definitely disaster to be watchable only performance second part is better and bigger than first part really good refreshing and worthful movie John Abraham nailed it with his killer look and intensity role who is the driving force of this Arjun Kapoor did so well done in a badmass look not as good the first movie but second half was enjoyable and thriller of this good in love
विद तारा वॉइस सच एन अमेजन मूवी स्पेशली तारा सुतारिया इज सिंगिंग डेब्यू इन दिस मूवी आई एम जस्ट एडिक्शन टू हेयर वॉइस एवरीवन गेव देयर बेस्ट लव इन स्पेशली सॉन्ग सेलेक्शन वाज अमेजन एंड लव द होल टीम डिड एन अमेजन वर्क आई लव टू सी तारा एंड दिशा इन वन ऑफ दिस मूवी वेंट दिस मूवी एंड मोरी सक्सेसफुल एंड इट वॉज गोइंग ब्लॉकबस्टर हिटिंग एंड वेज वेल डन दिस मूवी ऑफ दिस गुड इट वॉज रियली अमेजन an expression it was a really twisting story with great elements as per acting arjun was super disha did really good tara was excellent with her insights and emotional side and john was okay overall the movie was amazing mohit suri never disappoints why bollywood can trust of disappointment see story was not there and arjun kapoor acting really nailed it it is one of the finished comeback movie of arjun kapoor one must watch no matter if you are a fan of Arjun Kapoor or not but after seeing this movie I hold up this movie is truly true masterpiece I agree that the second half was little predictable but the rest had me at the edge of my seat the ending is the reason my review is 5 star I would say this is a movie worth watching it is so good one time watchable but hope this good I enjoy this movie and very fantastic movie.